गाइस 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 शुरू करें क्या यस yes. थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना एक मिनट दे तो जरा गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग क्या गुड आफ्टरनून गया ना गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून अब सही है थोड़ा सा ना आइस इट इस प्रॉपर ना ठीक है अभी थोड़ा सा चलो एक बार कंफर्म करोगे क्या चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन एक बार मैं चेक कर लूँ तुमको स्क्रीन दिखेगी डोंट वरी अबाउट द स्क्रीन अभी दिख जाएगी स्क्रीन चलो गुड आफ्टरनून एवरी बन ऐप पे भी कुछ बच्चे लाइव है ऐप पे भी कंफर्म करोगे सब कुछ प्रॉपर है क्या क्यूडी क्यूड़ी पीबल देखने दो जरा एक सेकेंड मेरा ऐप पे वो खुल नहीं रहा है चैट चलो तब तो तक तो तो आप नोटबुक वगैरह खोल के रखोगे आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे भाई कल आप अपन ने चैप्टर कौन सा कंप्लीट किया था बताओ फटाफट स्क्रीन शो रू नहीं मेरे बस स्क्रीन दिख जाएगी अभी स्क्रीन का टेंशन मतलब चलो परफेक्ट बाकी सब सही है ग्रेट चलो ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके बहुत ही शानदार मेरे को बस दे दो मैं आपकी स्क्रीन अभी ठीक कर लेता हूँ थोड़ा क्या सेटअप वेटअप में जाता है दो चार मिनट दैट इज ओके हम्म mm -hmm. थैंक यू साक्षी थैंक यू चलो क्लास <coughs> <laughs> में कराऊंगा आर्टिस्टिक और भाई नाम भी कैसा है क्लास में कराऊंगा राजा अभी देखो मैजिक अब तुमको दिखेगा सब कुछ तुमको स्क्रीन दिख रही है तुम आला, दे रहा दे ऐसा ऐसा जादू की तरह बोलने का हेडिंग दे दो सेकंड इन्वेंटरीज हेडिंग दे दो इन्वेंट्रीज ठीक है कौन सा है? ए एस है ये ए एस टू ये तुमने फाउंडेशन पढ़ा क्या ये बोलना मत नहीं पढ़ा हाँ सब पढ़ा है तुमने हम पता है मुझे ये चलो मैं मैं लेक्चर भी अभी शुरू कर रहा हूं ठीक है चलो चलो यस बहुत ही शानदार। चलो मैं एक बार तुम्हारा स्वागत वगैरह कर लूं अच्छे से हमारा एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है चलो कल हमने कौन सा एस पढ़ा था कल हमने कोई ए एस नहीं पढ़ा था कल हमने एक पढ़ा इसका नाम क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए एस तुमको याद है वो चैप्टर ठीक है अच्छा पहले ना मैं चालू करू उसके पहले ये बताओ इसके मैंने एमसी क्यूज करने बोले थे किए हुए तुमसे बताओ जल्दी से बताओ बताओ अंशुमन मुकुंद विक्रम अभिषेक बताओ फटाफट से बताओ तरुण बताओ श्रेष्ठ बताओ विशाखा साची दिव्य जल्दी बताओ किया किया सर किया हां कर लिए चलो फोर आउट ऑफ फाइव आए वेरी गुड देखो नमन ने कितना अच्छे से बताया सर मेरे को फोर आउट ऑफ फाइव आए जहां मिस्टेक की मार्क के लेना इंपॉर्टेंट ठीक है चलो सबने किए हो गए सर यस तरुण हो गए हो गए तरुण तरुण प्रजापति बोलते हो गए सर चलो बहुत ही बढ़िया यस रविंद्र कविता कहते हो गए पुली कहते हो गए कार्तिके कहते हो गए श्रेष्ठ कहते हो गए ध्रुव कहते हो गए राहुल कहते हो गए क्या बात है सोमिल कहते हो गए तुम लोग यार बड़े अच्छे लोग हो पता है तुमको ऐसे मैं रोज छोटा सा काम दूंगा छोटा छोटा छुट मजेदार काम दूंगा इतना भी तुमने किया ना रोज मजा आ गया भाई साहब ठीक है चलो अपन आगे बढ़े क्या यस सर आज मैं पता आप क्या क्या खेलने वाला हूँ क्या खेलोगे सर हम ए ए एस टू ए एस टू खेलेंगे आज ए हाँ, एस टू ए एस टू खेलेंगे आज तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने कि, कित टोटल कितने ए एस थे टोटल ट्वेंटी सेवन ए एस थे ना ट्वेंटी सेवन है ना उसमें से आज एक करेंगे कंप्लीट नहीं होगा बट शुरू तो करेंगे अपन ए एस टू इन्वेंट्रीज अच्छा फाउंडेशन तो पास होके आए हो ना अच्छा कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री से आए तो बी कॉम तो दिया ही होगा या तो कुछ किया होगा ग्रेजुएशन इन्वेंट्री पड़ा पड़ा लग रहा है ऐसा लगता है इन्वेंट्री हमने किधर तो ऐसा बोलते हैं इसका शक्ल किधर देखा हुआ लग रहा है सर है ना इसका थोपड़ा किधर देखा हुआ लग रहा है सर हाँ अरे ये चैप्टर था तुम्हारे पास मैं तुमको चलो तुमको याद नहीं होगा मैं तुमको एक बात याद दिलाऊ ऐसा कुछ पड़ा होगा फीफो वेटेड एवरेज कॉस्ट और एनआर ऐसा कुछ याद आ रहा है नहीं सर हम तो फाउंडेशन में पैसा देकर पास हुए सर हमको नहीं याद कुछ भी कोई बात नहीं मैं मान लूंगा आपको कुछ नहीं आता है शुरुआत से पढ़ लेते हैं ठीक है ये चलेगा हाँ सर ये ये वाला चलेगा सर आ जाओ तो हम पहले हेडिंग दे देंगे ए एस टू इन्वेंट्रीज चलो नोटबुक निकालो <coughs> सर बहुत ही वाहियात चैप्टर था आज मैं तुमको चैप्टर से प्यार करवा दूंगा ठीक है इससे सिंपल चैप्टर नहीं है आ जाओ आ जाओ आ जाओ हेडिंग दे दो ए एस टू इन्वेंटोरी चलो आ जाओ दिया हेडिंग सबसे पहले इन्वेंट्री में क्या क्या आता है हम लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं फिर समझा दूंगा चलेगा डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटरीज पहले लिख लेंगे फिर समझेंगे ठीक है तो लिखना इन्वेंटरीज आर असेट्स असेट्स विचार ऐसे तीन एरो बनाना उसका असेट्स विचार पहले में लिखना हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डेनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ब्रैकेट में लिख देंगे फिनिश्ड गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ब्रैकेट में लिख देंगे फिनिश गुड्स नीचे लिखना यूज इन द प्रोडक्शन सॉरी यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल ब्रैकेट में लिख देना वर्क इन प्रोग्रेस तीसरा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स इन इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स टू बी कंज्यूम्ड टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस ब्रैकेट में लिखना रॉ मटेरियल्स ब्रैकेट में लिखना रॉ मटेरियल्स लिखा लिखा सर <coughs> ये डेफिनेशन इन्वेंट्री का जो एएस एस पढ़ने आ रहे हैं उसका डेफिनेशन समझ रहे पहले अपन अच्छा ए एस की जरूरत क्यों पड़ी पहले यह समझ लो ठीक है मैं आपको हर चीज जो भी मैंने आपको डे वन पर पढ़ा उससे मैं लिंक कराने का कोशिश करूंगा ठीक है हमने पता है डे वन पर बनाई बैलेंस शीट थी डे वन पर बैलेंस शीट बनाई थी अगर आप ध्यान से देखोगे बैलेंस शीट के असट साइड पे असट साइड पे आपको दिखता होगा इन्वेंट्रीज करंट असट के अंदर क्या दिखता होगा इन्वेंट्रीज बराबर अब ये इसके ऊपर एएस कौन सा है मैंने कहा था ना हर एक आइटम पे मैक्सिमम एएस आ जाएगा तो इसके ऊपर अपने लिए आ जाता है ए एस टू आपको लिखने का जरूरत नहीं मैं सी बता रहा हूं इसके ऊपर ए एस टू आ जाता है बराबर अब यह एस टू क्यों आया सिंपल लॉजिक हर एक कंपनी अपने इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे दिखाएगा थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ना कि मालूम पड़ा मैं इन्वेंट्री किसी और वैल्यू पे दिखा रहा हूं कोई दूसरी कंपनी कोई अपना कुछ फॉलो कर रहा है ऐसा नहीं चलेगा ना दे शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए इसके ऊपर निकाल दिया ए एस टू ठीक है अब इन्वेंट्री होता क्या है वो बोलता है इन्वेंट्री आर असैट्स

मान लो मेरी किताब मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ मैं पेपर प्रोक्योर करता हूँ मेरे पास मशीन है जरॉक्स वाले वो क्या बोलते हैं वो प्रिंटिंग वाली पेपर प्रोक्योर करता हूँ रॉ मटेरियल प्रोक्योर करता हूँ बराबर पूरा एकदम प्रिंटिंग वगैरह करवाता हूँ और फिर एफ जी रेडी करता हूँ तो वो फिनिश गुड्स मेरे लिए क्या है इन्वेंटि क्योंकि उसको बेचना मेरा बिजनेस है बराबर क्या अच्छा तो हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिसको भी बेचना आपका धंधा है उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मेरे पास है नाम मिहिर है मिहिर मिर बुरा बराबर मिहिर बोरा का धंधा है मोबाइल फोन बेचना बराबर वो क्या करता है मोबाइल फोन खुद नहीं बनाता है ट्रेडिंग बिजनेस है उसका वो किसी और से मोबाइल खरीदता है और तुमको मोबाइल बेच देगा तो क्या उसके लिए मोबाइल फोन क्या उसके लिए मोबाइल फोन इन्वेंट्री है क्या बोलोगे यस yes, सर है क्योंकि उसका बिजनेस है मोबाइल फोन बेचना तो उसके लिए वो मोबाइल फोन बन जाएगा फिनिश गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये इन्वेंट्री होता है पहला दूसरा यूज इन द प्रोडक्शन फॉर सच सेल इसका मतलब जैसे मेरे केस में जो किताबें हैं मैं खुद प्रिंट करवा रहा था तो ऐसा पॉसिबल है कि काफी सारी किताबें अब तक अंडर प्रिंटिंग है है ना अब तक वो प्रिंट होके रेडी नहीं हुई है तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस तो जो भी तुम्हारा इन्वेंट्री तुम खुद बना रहे हो और वो वर्क इन प्रोग्रेस वाले स्टेज में है वो भी तुम्हारे लिए क्या होगा वो भी तुम्हारे लिए इन्वेंट्री होगा वापस से जो भी किताबें बना रहा हूं जो अब तक रेडी नहीं हुई है आज के डे एंड पे मैं देखूंगा कितनी किताबें अंडर प्रिंटिंग है रेडी नहीं हुई है तो सौ किताबें ऐसी है जिसका प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रोसेस में अब तक रेडी नहीं हुआ है बराबर तो उसको मैं बोलूंगा डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस तो वर्क इन प्रोग्रेस भी मेरे लिए इन्वेंट्री होता है उसके अलावा ये किताबें बनाने के लिए मैं बहुत सारे ना पेपर मंगवाता हूँ पेपर मंगाता हूं अलग अलग क्वालिटी के <coughs> कुछ पेपर मंगा के रखे अब तक यूज नहीं किया है उसको फ्यूचर में यूज करूंगा तो जो पेपर ऐसे ही पड़े उसको मैं बोलता हूं रॉ मटेरियल आपको याद है मैंने आपको एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल दिया था वो धागा मंगाएगा क्लॉथ मंगाएगा और टी शर्ट बनाएगा तो जब तक वो धागा और क्लॉथ के फॉर्म में है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल बराबर तो आपके लिए इन्वेंट्री रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड्स ये तीनों में से आपके पास कुछ भी है वो आपके लिए इन्वेंट्री में ए एस टू में क्लासीफाई हो जाएगा ध्यान रखना सबको समझा क्या मैंने क्या बोला एकदम सिंपल है ये वाला पार्ट बट ध्यान रखना ये करना आपका धंधा होना चाहिए दिस शुड बी योर ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जाम्पल लेते ये माइक है ये माइक है ठीक है मैं माइक को यूज करने के लिए खरीद कर रखा है मैं माइक को यूज करने के लिए खरीद कर रखा है तो कुछ सालों बाद ये माइक पुराना हो गया मैंने सोचा इसको बेच देते हैं थोड़े पैसे आ जाएंगे एक डोमिनोज का पिज्जा खा लूंगा बेचकर है ना तो इसको मैंने बेचने का सोच लिया बेचना धंधा नहीं है मेरा इसको यूज करने के लिए खरीदा था मैंने अब बाजार में यार नया माइक आ गया तो नया माइक खरीद के इसको बेच दूंगा बताओ इसको माइक को बेचना क्या ये मेरा इन्वेंट्री हो जाएगा क्या कैजान वेरी गुड आंसर ये inventory नहीं है सर इसको बेचना इज नॉट माई ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बस इतना ही समझना है आपको आपका धंधा होना चाहिए वो सबको समझता है ये वाला पार्ट एकदम करेक्ट मजा आ गया तो आप अपने आपको सब लोग फ्लाइंग किसी दो दे दे दी दी फ्लाइंग फ्लाइंग सर

डिस्कशन हम ए एस टू में करेंगे वाह मजा ही आ जाएगा मजा ही आ जाएगा बड़ा सिंपल है <coughs> सबको समझा क्या बेसिक आइडिया आ गया यस yes, तो मेरे धंधे में मेरे लिए इन्वेंट्री क्या है बुक्स ध्यान रखना अपने ना अपने किसका एग्जाम्पल लिया था मिहिर मिहिर के धंधे में उसका इन्वेंट्री क्या है मोबाइल फोन ठीक है चलो इतना तो हमको समझ गया सर अब है ना मैं सेकेंड पॉइंट लिखा रहा हूं स्कोप सेकेंड पॉइंट मत लिखो मैं इधर स्टार मार के लिखा रहा हूं स्कोप चलो लिखी दो सेकेंड पॉइंट स्कोप स्कोप का मतलब क्या है कुछ कुछ आइटम्स को आप ए एस टू में क्लासीफाई नहीं करोगे कुछ कुछ भले आपको लगता है वो इन्वेंट्री होगी बट उसको हम ए एस टू में नहीं लेकर आएंगे उसको हम किसी और ए एस में ले जाएंगे ठीक है ऐसा कौन सा उसको बोलते हैं स्कोप स्कोप का मतलब होता है वो बताता है कि ना अगर तेरे पास ये टाइप का गुड्स है तो उसको इन्वेंट्री यहां मत लेकर आना उसको किसी और ए एस में ले जाएंगे मैं एग्जाम्पल देता हूं इधर आओ एग्जाम्पल लेते हैं अपन पहले लिख ले सारे फिर अपन एग्जाम्पल ले लेंगे आ जाओ तो ऐसा लिखना फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ ए एस टू फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ ए एस टू पहला पहला वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस राइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास ये है तो इसको यहां कवर नहीं करेंगे ब्रैकेट में लिख देना इधर कवर्ड अंडर ए एस सेवन कवर्ड अंडर ए एस मतलब समझाऊंगा पहले अपन सब लिख लेते हैं ठीक है मतलब मैं सबका बताऊंगा मजा आएगा तुमको दूसरा दूसरा शेयर्स डिवेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शेयर्स डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड ब्रैकेट में लिख देना कवर्ड अंडर ए एस थर्टीन कवर्ड अंडर ए एस थर्टीन तीसरा producers producers of livestock agricultural and forest products a forest forest products. फोर्थ फोर्थ मिनरल ऑइल्स ओर्स एंड गैसेस मिनरल ऑइल्स ओर्स एंड गैसेस लिखा क्या हीरो लोग इतना ही है अब मैं आपको इसका मतलब समझा गाइस सुनो बड़ा सिंपल सा मतलब है सबसे पहला <coughs> मैंने ये बोला कि आइटम्स में नहीं आते हैं पहला क्या है वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स सपोज मैं बिल्डर हूं बिल्डर, तुमको पता है बिल्डर जो बिल्डिंग बनाता है बराबर वो बिल्डर का धंधा क्या होता है बिल्डिंग बनाओ फ्लैट बेचो बिल्डिंग बनाओ फ्लैट बेचो तो अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो ऐसा पॉसिबल है ना ईयर एंड तक आपकी काफी सारी बिल्डिंग

क्योंकि उसका डिस्कशन हम अलग से एएस में करते हैं उसका डिस्कशन हम अलग से एएस में करते हैं ए एस सेवन बनाए उसकी बात वहां करेंगे हम तुमको समझा मैंने क्या बोला सिंपल देखो जिस चीज के लिए अलग से एएस बना है उसको हम यहां नहीं लाएंगे तो अलग से एएस इसके लिए बना है तो हम उसको यहां बात नहीं करेंगे ना तुम समझ रहे हो ये सर चलो अच्छा इसमें ना मैं थोड़ा दैप में जाऊं हल्का डेप में जाऊं सर ये तो डब्लू आई पी स्टेज में है तो चलो ए एस सेवन में कवर करेंगे यहां नहीं कवर करेंगे सर अगर वो बिल्डिंग पूरी बन चुकी है तो वो बिल्डिंग पूरी बन चुकी है ऑल फ्लैट्स फ्लैट्स आर रेडी रेडी सारे सारे के सारे है फॉर सेल और ये मेरा बिजनेस ही है ये मेरा बिजनेस ही है बिल्डिंग रेडी है सारे फ्लैट्स रेडी है फॉर सेल बिजनेस है तो कहां कवर करेंगे हाँ अगर रेडी है तो फिर कहां जाएगा ये नहीं बताया तो फिर ए एस टू में आ जाना एग्जाम्पल देखो इधर स्पेसिफिकली क्या बोला है जो डब्ल्यू आईपी स्टेज में उसको हम नहीं कवर करेंगे इसका मतलब जो एफ जी के स्टेट में है उसको उसको cover करेंगे। उसको करेंगे में ही लाएंगे तो मैं इधर एक ग्रीन में लिख दू आप भी ऐसे रंग बिरंगी पेंसिल लेके बैठना हाँ इधर लिख देना बिल्डिंग रेडी लिख दो फ्लैट्स रेडी एफ जी बेसिकली है ना तो फिर एस टू में आएगा बट ये मेरा बिजनेस होना चाहिए बिजनेस होना चाहिए मतलब प्रॉपर्टी बना के बेचना या फ्लैट खरीद के बेचना मेरा तो बिजनेस होना चाहिए <coughs> सबको समझा मैंने क्या बोला यस सर मैं आगे बढ़ सकता हूँ गाइस तुम्हारे साथ एकदम बड़ो सर आगे ये समझा ना सबको देखो आपने कितना डिटेलिंग में बात कर ली इतना डिटेल में वो टेस्ट नहीं करेगा तुमको बट अपने का, अपना तो फर्ज बनता है ना सब अच्छे से कवर करना एकदम बनता है सर आगे नेक्स्ट पॉइंट शेयर्स डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड इसका मतलब क्या है मैं पता है क्या करता हूँ मेरा बिजनेस पता है क्या है मान लो टीचिंग छोड़ दिया मान लो बुक प्रिंटिंग वगैरह सब छोड़ दिया मैं ना स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदता हूँ कम दाम में और जैसी प्राइस बढ़ जाती है शेयर्स बेच देता हूँ स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदता हूँ कम दाम में जैसी प्राइस बढ़ जाती है शेयर्स बेच देता हूँ ये मेरा बिजनेस है तो अब मुझे बताओ शेयर्स खरीदना और उसको बाद में जाके बेचना ये मेरा बिजनेस हो गया ना तो शेयर्स तो उस लॉजिक से मेरे लिए फिनिश गुड्स होना चाहिए हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस शेयर्स खरीदा रखेगा उसको थोड़े थोड़े टाइम तक प्राइस बढ़ते बेच देगा बराबर तो ये भी तो मेरे लिए ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया धंधा है मेरा ये तो ये भी तो होना चाहिए फिनिश गुड्स बोलता है हो गया फिनिश गुड्स कोई बात नहीं लेकिन उसके लिए हमने अलग से एस बना रखा है

आप समझ आया सर जो आप कहना चाहते हो <laughs> क्लियर है क्या वाला पार्ट ठीक है तो अगर शेयर्स हो डिचर्स हो या उसकी तरह और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हो सकता है जिसको बेचना खरीदना बिजनेस है तो वो ए एस थर्टी ने वहां बात करेंगे उसके लिए सबको समझा क्या यस yes. आगे बढ़ जाते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इसका मतलब क्या है तुमने कभी वो देखा है क्या क्या होता रहा वो तबेला यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ तबेला तबेले में बहुत सारी गाय होती है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं है ना वो जैसे अपन सभी क्या है? आपन तो है अपने घर वाले अपने को ना समझते <laughs> मेरी मम्मी तो कभी कभी कुत्ता बोल देती है मुझे <laughs> तुम समझ रहे हो क्या <laughs> मेरी मम्मी तो कभी कभी मेरे को कुत्ता बोली देती है तो तुम्हारे घर वालों के लिए भी तुम एनिमल्स ही हो तुम यहाँ आ रहे हो लाइव स्टॉक <laughs> बराबर क्या तो ठीक है हाँ

या जो भी तुम भगवान में मानते हो ऐसा कर लो ऐसे और बोलो सपोज उनको बेचना खरीदना मेरा बिजनेस है सपोज मैं गाय खरीदता हूं गाय मतलब ये गाय गाय नहीं है, मतलब ये वाली गाय <laughs> सपोज मैं गाय खरीदता हूं और गाय बेचता हूं ये बिजनेस है मेरा तो उस गाय को भी मैं यहां कवर करूं क्या नहीं बोलते लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रोडक्ट यहां, यहां कवर नहीं है यहां कवर नहीं है बराबर क्या मतलब एनिमल्स और वो सब खेती बाड़ी के सामान यहां कवर नहीं है भाई तो सर कहां कवर करेंगे फिर कहा कवर करे सर इसको इसके लिए कोई ए ही नहीं है इसके लिए कोई ए ही नहीं है ए हाँ। एएस नहीं लेकिन इंडेस है अब इंडेस तो थोड़ी ना फॉलो करेंगे अपन बैठ के अगर तुमको ज्ञान के लिए चाहिए तो इसके लिए वैसे इंडेस में है इंडेस फोर्टी वन बट एएस में नहीं है नो एएस मैं लिख दू नो ए तो सर फिर क्या अप्लाई करेंगे लोग अब तक इसके ऊपर सस्पेंस है उस केस में इन लोग अपने हिसाब से नॉर्मल अकाउंटिंग कर सकते हैं जनरल फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं चैप्टर एफ फ्रेमवर्क उसमें बताया गया है कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल असेट वगैरह है और कोई ए कवर नहीं करता है उसको तो हम बताएंगे कैसे अकाउंटिंग करना है ऐसा तो आप नॉर्मल ए वगैरह फॉलो कर लेना ठीक है अभी ए वाले देखो इंडेक्स तो फॉलो नहीं करेंगे ना यार अब इनके लिए ए नहीं है तो ये जनरल गाइडेंस वगैरह दी होती है वो फॉलो करेंगे सेम इज द केस विद दिस मिनरल ऑयल्स ऑल्स नेचुरल गैसेस पेट्रोल वगैरह है मालूम पड़ा तुम पेट्रोल खरीद के बेचता है वो सब

आगे बढ़े क्या तो ये मैंने क्या पढ़ा स्कोप पढ़ायाशन पढ़ाया ठीक है चलो ये तो हमको समझ गया सर इसमें से कुछ काम का था क्या डेफिनेशन वॉज ठीक ठाक इंपॉर्टेंट स्कोप इतना कुछ काम का नहीं होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना मैं आपको मार्क कराता हुआ चलूंगा डोंट वरी अबाउट इट ठीक है चलो अब अगला पॉइंट है मेजरमेंट अगला पॉइंट है मेजरमेंट थर्ड पॉइंट मेजरमेंट इन्वेंट्री को जैसे देखो आपने सपोज इन्वेंट्री खरीदी आपको पता ना फिनेंशियल ईयर ईयर कैसा होता है अपना अप्रैल से लेकर ऐसा मान लो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्व तक होता है अपना ये ईयर होता है ठीक है लिखो मत से सुन लो सपोज मैंने इन्वेंट्री खरीदी फर्स्ट मार्च टूल्व को और ईयर एंड पे वो बेचा नहीं है इट इज स्टिल विथ मी दैट इन्वेंट्री स्टिल विथ मी मेरे पास ही है वो मेरे पास मेरे पास ही है सर <laughs> तो अब बताओ <coughs> अरे मिट गया मेरा आईपैड कभी कभी बंद हो जाता है और मिट जाता है और मुझे फिर से लिखना पड़ता है अरे भाई मुझे फिर से लिखना पड़ता है ये दुख काहे खत्म नहीं होता है लिखो वापस यार लगता है मैंने कोई पाप किए तुम्हारे साथ इसलिए मुझे ऐसा सजा मिलता है फर्स्ट अप्रैल इलेवन से 31st मार्च 12 हाँ, मैं कह रहा था मैंने मान लो 1 मार्च 12 को कोई चीज खरीदी और ईयर एंड पे दैट इज 31st मार्च 12 पे वो अभी तक मेरे साथ ही है मेरे साथ मेरे पास बराबर अब मुझे बताओ कोई बोलता है नया ले लो तुम दिला दो प्लीज दिला दो प्लीज इतना पैसा कहाँ लेकर जाओगे तुम दिलाओ ना भाई तुम्हारा दिल बड़ा रखो दिलाओ बोलो सर आप हमारे सर हो सर आपको तो एक आईपैड क्या पूरा घर गिफ्ट देते हैं सर तुम बोलोगे सर घर होता तो सीए थे ना घर रहे होते इतना इतना पैसा होता तो एनी तुम ध्यान दो इधर अभी तुम्हारे पास जो इन्वेंटरी है वो तुम्हारे पास ही पड़ी है ठीक है मुझे बताओ इसको हम किस वैल्यू पे रखेंगे इसको हम किस वैल्यू पे रखेंगे बराबर तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दे रखा है कि एवरी ईयर एंड पे आप उसको रखोगे लोअर ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट कॉस्ट और एनआरवी एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू एवरी ईयर एंड पे हम इस पे रखेंगे इसको इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर दोनों में से जो भी कम है उस पर रखेंगे किसको हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री बची है ना साल के अंत पे हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री पे साल के अंत में उसकी बात कर रहा है कि ईयर एंड पे जो इन्वेंट्री पे उसको किस पर रखेंगे तो बोलता है कॉस्ट और एवर इज लोअर अब देखो हर चीज के पीछे लॉजिक मत पूछना कि इसका लॉजिक लॉजिक क्या है हर चीज के पीछे भगवान नहीं दिया भगवान मतलब इन्होंने लॉजिक नहीं दिया है कुछ कुछ चीजें रूल्स है तो ये रूल है कि आपको ये फॉलो करना है बस अब इसका मतलब क्या हुआ समझने का ट्राई करते सपोज मैंने ना मैंने बहुत सारे किताबें बनवा ली है ठीक है मैंने बहुत सारी किताबें बनवा ली फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन्वेंट्री है इन्वेंट्री है एफ का ठीक है एफ की इन्वेंट्री मेरे पा... मतलब वो बुक्स की है फिनिश गुड्स में पढ़ा है जिसकी मेरी कॉस्ट पता है कितनी थी मान लो मेरी कॉस्ट थी रुपीज हंड्रेड हंड्रेड रुपीज मेरी कॉस्ट थी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको ठीक है अब मान लो इसकी नेट रिलायसेबल वैल्यू कितनी है इसका मतलब क्या होता है सर आसान भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग कॉस्ट मतलब बेचने के जो खर्चे आते हैं वो वो लेस कर देना इसमें से बराबर उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट नेट में बेचने से पैसा कितना आएगा वो बराबर क्या तो सपोज मान लो इसका एनआरवी है रुपीज ठीक है नाइन्टी रुपीज है मतलब अगर मैं इसको आज बेचूंगा आज बेचूंगा मान लो इसका एनआरवी का मतलब होता है नेट सेलिंग प्राइस आज बेचूंगा तो नाइन्टी रुपीज आएगा तो बताओ हम किस पे रखेंगे हम इसको ईयर एंड पे हंड्रेड रुपीज पे दिखाए या नाइन्टी रुपीज पे दिखाए तो हम इसको नाइन्टी रुपीज पे दिखाएंगे क्योंकि विच इज लोअर ईयर एंड पे आपको इसको नाइन्टी रुपीज पे दिखाना पड़ेगा एकदम सिंपल बस यही इसका मतलब होता है ठीक है बाकी मैं चर्चा इसके बारे में ज्यादा करूंगा अच्छा अगर मुझे थोड़ा बहुत लॉजिक देना भी हुआ कि सर ये ऐसा क्यों है तो मान लो कंजर्वेटिज्म पढ़ा था ना अकाउंट्स में कंजर्वेटिव रहते थोड़ा सा अगर पता है कि भले ही आपने ज्यादा में खरीदा है लेकिन मार्केट में बेचने पे इतना पैसा नहीं आएगा तो कम पे रखो भाई कम कर लो ऐसा बाकी कॉस्ट में क्या क्या आता है नेट वैल्यू में क्या क्या आता है उसकी चर्चा मैं वक्त के साथ करते हुए चलूंगा आपके साथ सबको समझा मैंने क्या बोला यस सर चलो तो <coughs> ये एग्जाम्पल छोटा सा मैंने लिखा रखा है इस पे चर्चा अपन करते हुए चलेंगे अब एक काम करते हैं हमको दो वर्ड्स और सेकेंड एनआरवी में क्या क्या आती है नेट रिलायसेबल वैल्यू में क्या क्या चीजें आती, आती है कैसे निकालेंगे ये वैल्यू हम है ना क्योंकि हमारे पास देखो तीन टाइप की इन्वेंट्री है हमारे पास एक फिनिश गुड्स भी है एक डब्ल्यू भी है और एक रॉ मटेरियल भी है इन तीनों टाइप की इन्वेंट्री में एनआरवी कैसे निकलेगा वो सबकी चर्चा करेंगे तो अब दोनों को मैं पकड़ लेता हूं और एक एक करके बात करता हूं तो पहले मैं किसकी बात करता हूं पहले मैं जो आपकी कॉस्ट है उसकी बात कर लेता हूं कर लू क्या बात कर लो ना सर एक सेकेंड देना जरा। चलो तो जो पहले तुम्हारी कॉस्ट है उसकी बात कर लेता हूं तो फोर्थ हेडिंग दे दो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज चलो अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा अपन वो भी लिख लेते हैं ठीक है इसमें आप ऐसे एक एक करके लिखते चलो सबसे पहले इसमें आता है ए कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स स्लैश फिनिश्ड गुड्स सर ये ऐसा क्यों लिखा आपने समझने का ट्राई करो देखो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे खुद कन्वर्ट करके बनाओगे और फिर बेचोगे बट अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस हो तो आप सीधा सीधा फिनिश गुड खरीदोगे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे फिर बराबर तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि रॉ मटेरियल कौन खरीदता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और फिनिश गुड्स कौन खरीदता है जिसका ट्रेडिंग बिजनेस है बराबर ये दोनों खरीदते हैं ध्यान <coughs> देगा ये बात ध्यान देगा सर ठीक है तो अब कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगा कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब जो भी सपोज आप मैं जैसे ना पेपर खरीदता हूं किताब बनाने के लिए तो पेपर जब खरीदता हूं तो मुझे इस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंकर करना पड़ता है इस पे मैं काफी परचेस पे काफी सर टैक्सेस भी पे करता हूँ तो वो सब मेरे कॉस्ट का पार्ट बनेंगे क्या उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ तो पहले अपन सारी चीजें लिख लेते हैं है ना फिर अपन एग्जांपल लेकर समझने का ट्राई करेंगे ठीक है लिखना मेरे साथ तो अभी मैं कॉस्ट ऑफ परचेस में हूँ ओके कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या-क्या आएगा सबसे पहला आएगा परचेस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट ठीक है सेकेंड ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ठीक है ब्रैकेट में लिख देना ब्रैकेट में लिखना इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इफ टैक्सेस आर रिफंडेबल दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ठीक है परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस उसके अलावा और क्या आएगा ये सब एरोज हैं तीसरा आएगा ऑल अच्छा एक लाइन छोड़ के लिखो ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल हैंडलिंग कॉस्ट फ्रेट स्लैश ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कॉमा इन्श्योरेंस ऑफ परचेज कॉमा ब्रोकरेज स्लैश कमीशन पेड टू बाइंग एजेंट पेड टू बाइंग एजेंट एक्सेट्रा हैंडलिंग कॉस्ट फ्रेड स्लैश ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कॉमा इंश्योरेंस ऑफ परचेस कॉमा ब्रोकरेज कमीशन पेड टू बाइंग एजेंट्स एक्सेट्रा ओके इधर आप नीचे जहाँ लिखे ना ऑल डिरेक्टली एट ट्रिप्यूट एक्सपेंसेस इधर नीचे भी थोड़ा लिखना ब्रैकेट में बेसिकली ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी विच आर नेसेसरी टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन थैंक यू प्रिंस क्लियर वाला पार्ट क्या मतलब लिखा क्या क्लियर क्या मैं सिखाया नहीं अब तक लिखा तुमने हीरो लोग ठीक है अब इसमें मैंने क्या बताया समझने का ट्राई करना आप ठीक है इसमें क्या लिखा है मैंने समझने का ट्राई करते हैं अपन जब आप कोई भी आइटम खरीदते हो तो मैं इसकी कॉस्ट कितनी मानूंगा फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीदा कैलकुलेटर ठीक है मान लो ये इन्वेंट्री है मेरे ले, ले. मेटेरियल मेरे लिए ऐसा मान लो एक खरीदा मैंने अब इस केस में इसकी कॉस्ट क्या होगी तो जो भी आपने इसके लिए पे किया है वो अब लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वट इज़ ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट जो हम पूरे गांव को दे रहे मतलब ऐसे मैं बोलता हूं मेरी एम ऐसा लिखा है कैलकुलेटर पर एम आर पी बट हम इसको बेचेंगे नाइन में अब हजार रुपए का डिस्काउंट पूरे गाँव को मिल रहा है ना ये डिस्काउंट जो वन थाउजेंड रुपीज का ये सबको ही मिल रहा है ये ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा देखा कि अरे आकाश सर आए चलो सर आप आए हो तो आपको हजार रुपये डिस्काउंट देते ऐसा तो किया नहीं बोला भाई सबको दे रहे हैं डिस्काउंट बराबर तो ये जो हजार रुपये का डिस्काउंट है सबको मिल रहा है ये ठीक है तो इसलिए हम परचेज प्राइस टेन थाउजेंड नहीं नाइन थाउजेंड रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज आपने पे कितना किया नाइन थाउजेंड ही पे किया है और हजार रुपये का डिस्काउंट सबको ही मिल रहा है बराबर तो हम नाइन थाउजेंड पर रिकॉर्ड करेंगे इसलिए बोलते हैं अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो लेस कर देना ठीक है फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे सपोज मैंने जब खरीदा ना कैलकुलेटर सर नौ हज़ार रुपया कैलकुलेटर भाई है इसके अंदर फीचर्स बड़े सारे इसके अंदर तो नौ हज़ार रुपये के ऊपर पता आप कुछ भी खरीदो तो क्या लगता है आजकल जीएसटी लगता है आप पढ़ोगे टैक्सेशन के अंदर है ना नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं बता देता हूँ मैं एक तरीके का टैक्स है टैक्स है जो मोदी जी आते निर्मला निर्मला दीदी आती है और तुमसे वसूल के ले जाती है तो बोलती है इस पर अठारह परसेंट भी दे देना भाई तो कितना हो जाएगा मेरा कॉस्ट तो टेन नाइन थाउजेंड प्लस एटीन परसेंट करो तो वो हो जाएगा

सर ये कैलकुलेटर एग्जाम में आंसर बताता है क्या हाँ भाई तभी महंगा महंगाई इसको पता है फीचर बताओ इसको तुम ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन इधर स्कैनर है ऊपर इसको तुम स्कैन करवाओगे ना आंसर निकाल के देगा फालतू बातें करते हो ध्यान दो इधर <laughs> फालतू बातें कर रहे भाई समझ गया ना अब इसमें ब्रैकेट में एक बात लिखी है मैंने इफ़ टैक्सेज आर रिफंडेबल दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अब देखो आपने टैक्सेशन वैसे पढ़ा नहीं है आपने टैक्सेशन नहीं पढ़ा पढ़ोगे आने वाले समय में बट मैं बता दूँ कभी कभी है ना जो आप जीएसटी भरते हो

प्लस एटीन परसेंट दैट इज वन सिक्स टू जीरो जो भी था तो टेन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी आपकी कॉस्ट हो गई अब मैं कह रहा हूं कि आपको ये रिफंड आ जाएगा आपने जो भरा ना आज भर लो बाद में इसका बेनिफिट ले लो रिफंड ले लो है ना इसका बेनिफिट और रिफंड आपको मिल जाएगा अब आप मुझे बताओ आपसे पूछे कि नेट में आपको खर्चा कितना पड़ा नेट में कैलकुलेटर कितने का पड़ा तो आप क्या बोलोगे टेन थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी का बोलोगे या नाइन थाउजेंड का ही बोलोगे सोच समझ के बताओ अगर मैं पूछूँ जो टैक्स आपने भरा इसका बेनिफिट है रिफंड मिल जाएगा तो बताओ आप कॉस्ट कितनी बोलोगे वेरी गुड आप बोलोगे सर जब इसका रिफंड देने ही वाले हो तो हमारे लिए कॉस्ट तो नाइन थाउजेंड ही होगी ना हमने भले टैक्स आज भरा है फ्यूचर में रिफंड मिल जाएगा या बेनिफिट मिल जाएगा तो हमको जब ये पैसा वापस ही मिलने वाला है तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी नाइन थाउजेंड तुम समझे हाँ

डेढ़ सौ रुपया लेगा तो वो डेढ़ सौ रुपया लेगा तो ऐड करना पड़ेगा ना उसको क्योंकि तुम्हारे गोडाउन तक आने में जो भी खर्चा है वो सब ऐड होगा उसको बोलते ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन मतलब तुम अपने लोकेशन तक लाने में जो भी खर्चा करोगे उसको तुम कॉस्ट में ऐड करोगे कस्टम ड्यूटी बहुत सारे ड्यूटीज हो सकते हैं बहुत सारे टैक्सेस हो सकते हैं डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं बड़ा ब्रोकरेज कमीशन हो सकता है कभी कभी बोलेंगे आप इतना दूर से सामान मंगा रहे हो तो इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा तो इंश्योरेंस का पैसा भी हो सकता है तो ये सब जो खर्चे हैं इसके हेडिंग रट्टा मत मारना सिर्फ जब भी कोई खर्चा दिखे अपने आप से एक सवाल पूछना आग बनकर एक सवाल पूछना शी लव्स मी अरे गलत

जिंदगी में कोई होना चाहिए तुम्हारा प्यार हमेशा वन साइड ही रहेगा ठीक है <laughs> तुम ना नहीं नहीं तो भाई तुम तुम लोग सी ए लोग इतना अकेले होते कि वो लाइन भी जब मारते तो बस एफ आर अकाउंट्स के क्वेश्चन में मारते लाइन वाह सर वाह फालतू बातें एनी तुम समझ गए ना आगे बढ़ो <laughs> आगे बढ़ो <बड़े> सर <coughs> ये हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स ठीक है चलो उसके अलावा सपोज मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूँ तो तो मैंने खरीदा मटेरियल, मटेरियल उसका तो खर्चा निकाल लिया, ठीक है? अब से फिनिश बनाने तक भी कुछ खर्चे करूंगा ना, For example, जैसे मैंने पेपर पेपर खरीद 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 लिया, लिया, बहुत सारे लिए, ठीक है? है, और क्या चाहिए चाहिए मुझे इंक चाहिए रहता वो खरीद लिया। बराबर सब खरीद लिया। ये तो है मेरे अब इंकर करूंगा ना इस पेपर को बुक में कन्वर्ट करने के लिए खर्चेंगर करूंगा नहीं करूंगा करोगे ना सर एकदम करोगे बराबर तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब आप रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड्स प्रिपेयर कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन तो वो भी करना होता है तो मैं लिख दू लिखो ना सर का नहीं लिख रहे हो लिखो लिखो लिखो, लिखो तो मैं लिखता हूं बी पॉइंट ठीक है जैसे ए पॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेज बी पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इसमें क्या क्या आता है सबसे पहला इसमें आता है डायरेक्ट कॉस्ट ब्रैकेट में लिख देना सबसे पहले इसमें आता है डायरेक्ट कॉस्ट ब्रैकेट ओपन करो और लिखना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है लिख लेते अपन पहले उसके अलावा नीचे लिखना वेरिएबल ओवर हेड्स वेरिएबल ओवर हेड्स ओके इसके ब्रैकेट में लिखना बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी उसके अलावा लिखना फिक्स्ड ओवरहेड्स इसका ब्रैकेट में एम रख रहा हूँ इधर भी आएगा ब्रैकेट में कुछ फिलहाल मैं एम रख रहा हूँ फिलहाल मैं इसको, <coughs> इसको रख रहा हूं। ठीक है ये कॉस्ट ऑफ़ कन्वर्जन क्या होता है नहीं समझता तो ऐसा लिखना रॉ मटेरियल से एफ में कन्वर्ट करने का खर्चा रॉ मटेरियल से एफ में कन्वर्ट करने का खर्चा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बराबर उसमें आ गया डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल ओवर फिक्स्ड फिक्सड ओवर ओ एच एस मतलब ओवर हाँ इसका फुल फॉर्म भी लिख लो चलो आपको नहीं आता होगा तो मैं फुल फॉर्म में लिखा दूँ क्या देखो मेरे पास तो आईपैड है मैं तो चिटिंग कर सकता हूँ आप उधर आजू बाजू में किधर लिख लेना सर कैसे आदमी हो सर आप हमारे यहाँ ऐसे ही होता है वाह सर मज़ा आ गया वेरिएबल फिक्सड ओवर है ना चलो मैंने पहले ही फुल फॉर्म लिख दिया था तुम समझदार भी हो पता नहीं था मेरे को चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो ये क्या है कन्वर्जन के खर्चे डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है सपोज ऐसा समझ लो ये ना एक आदमी था मेरे पास एक आदमी था विक्रम समझ लो विक्रम चौहान है अपने पास ठीक है विक्रम का काम क्या था विक्रम पता है क्या करता था बस पेपर को ऐसे मशीन में डालता था और प्रिंटिंग होने तक वहाँ खड़ा रहता था मशीन में डालता था पेपर को और वो जब तक वो पेपर से पूरी बुक बन के नहीं आती जब तक वो एफ नहीं बनता बुक नहीं बनता तब तक ये विक्रम वहाँ बस खड़े रहकर देखता रहता था, था उसको बस उतना ही काम था उसका बराबर फिर वापस से अगले दिन पेपर डालता मशीन में जब तक बुक नहीं बनती तब तक वहाँ खड़े रहता बेचारा अब इस विक्रम को मैं कुछ ना कुछ तो पगार दूंगा ना इसको कुछ ना कुछ तो मैं सैलरी पे करूंगा ना बस इसकी जो पगार है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई मेरे लिए क्योंकि ये बंदा इन्वॉल्व है मेरे आर एम से एफ जी बनाने में डायरेक्टली ये बंदा इन्वॉल्व है मेरे आर एम से एफ जी बनाने में डायरेक्टली ये बंदे के बिना काम ही नहीं होगा मेरा उसको बोलते डायरेक्ट कॉस्ट ऐसे कोई भी खर्चे जो मुझे पक्का एंकर करने ही पड़ेंगे ये एंकर किए बिना कन्वर्जन नहीं होने वाला भाई उसको बोलते डायरेक्ट कॉस्ट उसमें डायरेक्ट मटेरियल आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो खर्चा आ गया डायरेक्ट लेबर आ गया जो बंदा ये खड़ा है बेचारा विक्रम विक्रम बोलता है कहा बन कर्मचारी बना रहे हो जब आर्टिकलशिप करोगे तो कर्मचारी बनकर रहोगे तुम ठीक <laughs> है वो हो गया उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके अलावा बाकी कोई भी डायरेक्ट खर्चे हैं जो जो आपको लगता है कि वो इंकर किए बिना बुक नहीं बन सकती तो वो भी आ जाएंगे इसके अंदर ठीक है ये सब पता आप कहां पढ़ोगे कॉस्टिंग में पढ़ोगे सर मतलब हमको इंटरलिंक के हर सब्जेक्ट में आने वाला है हाँ कुछ चीज़ें टैक्स की आपको यहाँ आएगी कॉस्टिंग की कुछ चीज़ें आएगी है ना एनी कोई बात नहीं तुमको समझा मैंने क्या बोला यस yes, सर तो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट मतलब इसके बिना मेरा काम नहीं होएगा जैसे ये विक्रम है बहुत ज़रूरी आदमी मेरे लिए वो आगे <coughs> फिर आते हैं वेरिएबल ओवरड्स वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल ओवर्ड्स का मतलब होता है कोई ऐसे खर्चे कोई ऐसे खर्चे जो अगर आपने किताब बनाया तो ही इंकर करना पड़ेगा सर example दो देता हूँ एग्जाम्पल देता हूँ वेरिएबल वर्ड्स का एग्जाम्पल देता हूं ठीक है इधर मैं किधर लिख रहा हूं में बाजू में एग्जाम्पल सपोज है ना मैं तुमको थोड़ा एकदम क्या बोलते हैं लेमैन एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है मान लो हर बुक के ऊपर है ना मैक्स स्टिकर चिपकाता तो, हूँ हर बुक के ऊपर स्टिकर चिपकाता तो, हूँ टिकर पता है क्या लिखा होता है है ए के ये लिखा होता है ठीक है एक के है वाई साहब ठीक है अब समझो सपोज मैंने जो किताब बनाई पता है कितनी किताबें बनी सपोज मैंने वन थाउजेंड बुक्स बनाई बताओ मुझे वन थाउजेंड बुक्स पे चिपकाने के लिए स्टिकर चाहिए अरे नहीं लिखा हुआ है ठीक है अगली बार लिखवा दूंगा वो बच्चे बोले सर हमारे किताब पे तो नहीं लिखा हुआ है अरे गलती हो गई सॉरी <laughs> सुन लो तो बुक्स बनवाई मैंने हजार किताबें बनवाई ठीक है मुझे पता मुझे कितने स्टिकर चाहिए रहेंगे बुक के ऊपर चिपकाने के लिए भी मेरा कॉस्ट है भाई दवे ये भी मेरा कॉस्ट है मैं यार बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लिखता हूँ वो चीज़ ठीक है अब समझो हजार किताब बनवाई कितने स्टिकर लगेंगे आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो हजार किताब बनवाई तो हजार स्टिकर ही लगेंगे सर अच्छा लेट्स चेंज द नंबर सपोज मैंने दो हजार किताबें बनवाई दो हजार किताबें बनवाई तो कितने स्टिकर लगेंगे कितने स्टिकर लगेंगे सर 2000 हजार किताबें बनाओगे तो 2000 हजार स्टिकर लगेंगे सर कैसी बातें कर बस मतलब तुम देख रहे हो जितनी क्वांटिटी की बुक्स बन रही है उतना ही मुझे ये स्टिकर खरीदना पड़ रहा है बनवाना पड़ रहा है जितनी क्वांटिटी की बुक्स बन रही है उतना ही मुझे ये स्टिकर खरीदना है बनवाना पड़ रहा है वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी जितना एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग किया उतना ही ये भी खर्चा आ रहा है जितना एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग किया उतना ही यही खर्चा आ रहा है इसको बोलते हैं वेरिएबल ओवर मतलब दे विल वेरी अकॉर्डिंग टू योर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सपोज मान लो किसी साल मैंने जीरो बुक्स बनाई तो क्या मुझे कोई स्टिकर लगेगा नहीं स्टिकर का कॉस्ट विल बी तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे मेरी बुक्स की क्वांटिटी चेंज हो रही है स्टीकर जो मैं चिपकाने के लिए चाहिए उसका भी क्वांटिटी चेंज हो रहा है ये स्टिकर का जो कॉस्ट है मेरे लिए वेरिएबल हेड्स है ये जो स्टिकर वाला कॉस्ट है ये मेरे लिए क्या है वेरिएबल ओवरहेड्स है भाई साहब अब oh, समझ आया सर? <laughs> देखो मैं लेमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई तुमको तुम बोलोगे सर एकदम कोई प्रोफेशनल एग्जाम्पल दो अपने को लेमन समझते काफी है भाई भाई इतना एक के सर ये कर लो सर, पहले समझा ना तुमको <coughs> तो दे विल वेरी बेस्ड ऑन योर प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना प्रोडक्शन किया उतना खर्चा उसका आ रहा है सिंपल ठीक है चलो ये तुमको चाहिए तो मैं पड़े रहने देता हूँ एनी एनीवेज़ आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये तुमको नहीं लिखा, तो भी भी ठीक है लिखा तो भी ओके। चल। तो ओके डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, गया। वेरिएबल so मतलब बनाओ ना बनाओ ये खर्चा लगने ही वाला है आप बुक बनाओ या ना बनाओ ये खर्चा लगने ही वाला है मैं एग्जाम्पल देता हूं देता हूं सपोज जिस गोडाउन में मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। उसका गोडाउन जो, जो मतलब समझता है अरे या गोडाउन के अलावा स्टोरेज 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 भी नहीं क्या बोलते गोडाउन ही बोलते ना उसको जो फैक्ट्री फैक्ट्री बोल लो फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में मैं ये प्रोडक्शन कर रहा हूं उसका रेंट देना पड़ेगा ना मेरे को उसका रेंट देना पड़ेगा ना मेरे को मान लो इसका रेंट है इसका रेंट है मान लो रुपीस वन लाख इसका रेंट है अच्छा अब एक सवाल पूछूंगा मान लो मैंने हजार किताबें बनाई अब देखो ये फैक्ट्री के बिना तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो ये फैक्ट्री मेरे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है ठीक है क्योंकि फैक्ट्री में काम चलेगा ना मेरा मैन्युफैक्चरिंग का अब मान लो मैंने हजार किताबें बनाई सवाल सुनना मेरा क्या है माई क्वेश्चन इज रेंट कितना भरूंगा अगर मैंने हजार किताबें बनाई तो बताओ रेंट कितना भरूंगा सर सीधी सी बात हजार लाख रुपए रेंट भरोगे आप ठीक है अच्छा अगर मैंने दो हजार किताबें बनाई दो हजार किताबें अगर मैंने क्या बनाई दो हजार किताबें बनाई तो बताओ रेंट कितना भरूंगा टू थाउजेंड बुक्स बनाए तो कितना रेंट भरूंगा सर लाख रुपए भरोगे रेंट तो ना बदलने वाला है सर अच्छा सपोज मैंने कुछ बनाया ही नहीं ऐसी फैक्ट्री पड़ी है भाई मेरी कुछ नहीं बनाया तो बताओ रेंट कितना भरूंगा आप बोलोगे सर फिर भी लाख रुपए भरोगे आप फिर भी लाख ही भरोगे क्योंकि आप कितनी तो तो जितना प्रोडक्शन किया उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है मत देखो, जैसे वाला क्या था? जितना बुक्स बनाया उतना स्टिकर वाला खर्चा इसमें वैसा नहीं है ना, ना। <coughs> आप कितना भी प्रोड्यूस करो रेंट तो सेम ही रहने वाला है हर साल बराबर मैं लिख दू प्रोडक्शन कितना भी करो कितना भी करो रेंट विल बी स्टिल वन लैख ये होता है तो अगर मुझे फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री में बांटना है

तो मुझे जगह चाहिए रहेगा थोड़ा सा ऐसा जगह छोड़कर लिखना भाई एक लाइन चाहिए रहेगा मुझे क्या लिखा है मैंने फिक्स आर बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ये नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है मैं समझाऊंगा डोंट वरी बट तुमको ये समझा मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा कि तुम मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रहे हो मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा तुम मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रहे हो तो इसलिए इसको एक्चुअल के ऊपर बेस नहीं करते इसको एक्चुअल से फर्क नहीं पड़ता है क्या तुमको ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात समझ में आती है क्या ओ मेरे हीरो लोग यस ठीक है अब तुमने ना थोड़ी जगह छोड़ रखी है ना उधर जगह छोड़ के रखी नहीं छोड़ के रखी छोड़ के रखी है ना अब मेरे को इसके ऊपर आपको थोड़ा लिखा एग्जाम्पल देना है मैं थोड़ा आपको डिटेल में लेके जा सकता हूँ क्या डू आई हैव द लिबर्टी टू टेक यू इन लिटिल बिथ डेप्थ बोलो तुम बोलोगे तो ले जाऊंगा वरना छोड़ दूंगा बताओ ले जाऊँ बोलो ले जाओ सर वैसे है ना मैं सिर्फ पूछने के लिए पूछता हूँ ठीक <laughs> है लेके मैं जाने वाला होता ही हूँ <laughs> चलो ठीक है आओ सर लेके चलते <laughs> तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फिक्स्ड होवर का तो एक दो लाइन छोड़ के हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल लिखना एग्जाम्पल का हेडिंग ओवरहेड्स ठीक है ब्रैकेट में लिखो एलोकेशन टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी अब मैं क्या सिखा रहा हूं मेरी बात समझने का ट्राई करना मैं क्या सिखा रहा हूं ये जो फैक्ट्री का रेंट है लाख रुपया क्या मैं ये लाख रुपया बुक्स की कॉस्ट में ऐड करूँ क्या बराबर और करूंगा तो मैं कितना ऐड करूंगा पूरा लाख रुपया करूंगा क्या स्टैंडर्ड बोलता है पूरा नहीं कर सकते बराबर वापस से ये जो लाख रुपया है क्या मैं बुक्स की कॉस्ट में ऐड करूंगा क्या तो आप बोलोगे करो ना सर अच्छा मान लो मैंने बुक्स बनाई नहीं फिर मैंने जीरो बुक्स बनाई फिर ऐड करोगे फिर, फिर बोलोगे फिर नहीं कर पाएंगे सर बराबर सपोज मैंने दो हज़ार बुक बनाई फिर ऐड करोगे हाँ फिर तो करेंगे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा सर तो ये रेंट मैं इन्वेंट्री के कॉस्ट में कितना ऐड करूँ वो सिखा रहा रो उसमें बोलता हूँ एलोकेशन टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री किसका रेंट एड करूं दो हजार किताबों में कितना रेंट ऐड करूँ जीरो बनाई तो तो फिर एड ही नहीं कर पाओगे फिर क्या होगा उस रेंट का ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ तुमको समझ आया मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ यस अच्छा डोंट वरी यार जब मैं कोई पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस करना पुराना अगर याद नहीं आ रहा जो अभी पुराने शार्टी में पढ़ा है कोई बात नहीं लेक्चर के रिवाइज करवाता हूँ ना पूरा सब रिकॉल करवा दूंगा तो उसका टेंशन मत लेना कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पढ़ रहे हो कोई बच्चा उठ के बोलेगा सर मेरे को डेफिनेशन वापस एक बार भूल गया मैं वापस बताओ उसका टेंशन मत लेना भाई मैं आऊंगा दोबारा जब रिविजन कराऊंगा ना डे एंड पे डे एंड मतलब लेक्चर के एंड पे तो आपको पूरा रिकॉल करवा दूंगा मेरी गारंटी है ठीक है चलो इधर आ जाओ तो अब मैं फिक्स टोवरेट की बातें कर लेता हूँ ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना और साथ साथ में लिखते हुए चलना ठीक है लिखते चलो आ जाओ सपोज एक कंपनी का नाम लेते हैं अपन जतिन लिमिटेड लेते हैं जतिन लिमिटेड जतिन लिमिटेड ठीक है ये कंपनी है ये क्या बनाती है बुक्स बनाती है ठीक है बुक्स मैन्युफैक्चरिंग चलो अब मान लेते इसके कंपनी का नॉर्मल कैपेसिटी कितना है तुमको मैं नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब समझाता हूँ नॉर्मल कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम आप कितनी बुक्स बना सकते हो एक साल में ऐसा मान लो उसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी, है, है ना <coughs> मान लो ये रेंट पूरे साल का है पर मंथ पर आना है पर आना मतलब पूरे साल का है नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है अगर ये बंदा ढंग से काम करेगा जतिन तो पूरे साल में कितनी किताबें बना सकता है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ठीक है तो सपोज मान लो 1 लाख यूनिट्स या वन लाख बुक्स बना सकता है मतलब इतना मैक्सिमम ही कैन मैन्युफैक्चर नॉर्मल कैपेसिटी ठीक है अच्छा दूसरा रियल में उसने उस साल में कितना बनाया उसको बोलते एक्चुअल कैपेसिटी उसको बोलते एक्चुअल कैपेसिटी ठीक है ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है ओके okay? तो मान लो एक्चुअल एक्चुअल कैपेसिटी 75000 यूनिट्स क्चुअल कपैसिटीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट और मान लो अब मैं बाकी सारे खर्चे इग्नोर कर देता हूँ ठीक है बाकी वेरिएबल ओवर कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर सब इग्नोर करते हैं हमसे फिक्सड ओवर की बात करते हैं मान लो इस बंदे ने फिक्स ओवर किया था फिक्स कॉस्ट इंकर क्या था फिक्स्ड कॉस्ट में मान लो फैक्ट्री रेंट था मान लो फैक्ट्री रेंट था कितना था हम मान लेते चलो वन लाख वन लाख फिफ्टी रुपीज मान ले वन लाख फिफ्टी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ नंबर चेंज कर लेता हूँ वन लैख फिफ्टी था ठीक है एक सवाल पूछो आपसे मैं ना रट्टा नहीं मरवाना चाहता मुझे तुम्हारे अंदर लॉजिक फिट करना है ठीक है अपने दिल पर ऐसे हाथ रखो ऐसे लेफ्ट या राइट हैंड जो भी है ऐसे दिल पर रखो दिल किधर होता है रे दिल इधर ही किधर होता है भाई <laughs> मेरे को नहीं पता ना दिल का होता है मेरा दिल तो मेरी वाइफ ले गई सर सुनो ऐसा दिल पर हाथ रखो और बोलो एक सवाल का जवाब देना क्या इसने जितना कैपेसिटी एग्जिस्ट करता था उतना यूनिट्स बनाया नहीं सर चाहता तो एक लाख बना सकता था नहीं बनाया कम बनाया आलसी आलसी आदमी था ये लेजी लेजी जतिन है ना तो इस लेजी आदमी ने पूरा बनाया ही नहीं वन लाख बना सकता था सिर्फ सेवेंटी फाइव थाउजेंड बनाया दिल पे के बताना क्या ये जो रेंट है ये इसको पूरा पूरा इन्वेंट्री में एड करने देना चाहिए क्या क्या इसको रेंट को पूरा 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 रेंट क्या फुल रेंट इन्वेंट्री में एड करने देना चाहिए क्या मतलब अगर मैं इन्वेंट्री के कॉस्ट की बात करूं तो क्या मैं इन्वेंट्री के कॉस्ट में पूरा रेंट ऐड करने देना चाहिए इस बंदे ने पूरा पूरा काम ही नहीं किया आधा दूधा काम किया है तो आप बोलोगे नहीं सर देखो इसने भले ही इन्वेंट्री बनाई है लेकिन पूरी इन्वेंट्री नहीं बनाई ना जितना कैपेसिटी था उससे कम बनाया इसने तो इसको सर आप रेंट ऐड करने दो लेकिन पूरा मत ऐड करने देना सर आप बोलोगे ना पूरा मत ऐड करने देना सर वेरी गुड सब लोग बोले नहीं सर मत दो जतिन बेचारा अकेले बोल रहे नहीं नहीं दे दो सर जतिन तू काम चोर देख तू चाहता तो एक लाख बना सकता था देख अगर तू पूरा बनाता ना एक लाख जितना कैपेसिटी है उतना पूरा बनाता तो हम तुझे पूरा वन लाख फिफ्टी एड करने को देते अब तूने उतना पूरा बनाया नहीं तूने सिर्फ सेवेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट बनाया तो हमको जितना तूने बनाया उस हिसाब से रेंट ऐड करने देना चाहिए ना उस हिसाब से रेंट ऐड करने देना चाहिए बराबर क्या तो इसीलिए ये लॉजिक समझाना तुमको अब मैं थोड़ा जाता हूं फॉर्मेट वाइज कैसे करना होता है तो मैं पहले लिखूंगा फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी इसका मतलब पहले पता है क्या करना अभी आप आप हमेशा निकालना फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट टोटल आपने वन लैख फिफ्टी भरा है मुझे चाहिए पर यूनिट तो कितना रहेगा पर यूनिट निकालने का ट्राई करते हैं तो मैं ऐसा निकालता हूं नीचे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो रुपीस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करने का अब कितने यूनिट से डिवाइड करूं तो वो बोलता है इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी इसका मतलब बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड को हम हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे पूरा कर लो पूरा एग्जाम्पल खत्म होने दो लॉजिक पूरा बैठ जाएगा आपको ठीक है तो मैं इसको डिवाइड करूंगा वन लाख यूनिट से चलो ले डिवाइड कर दिया वन लाख यूनिट से तो कितना आ गया पर यूनिट रुपीज पर यूनिट ये आ गया आपको ठीक है अब स्टैंडर्ड बोलता है देखो मैजिक देखो ये कैसा मैजिक कैलकुलेशन होता है वो बोलता है तुमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना इंकर किया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इट वाज वन लैख फिफ्टी अब आपने कितनी इन्वेंट्री बनाई हमने इन्वेंट्री कितनी बनाई इन्वेंट्री बनाई सेवेंटी फाइव थाउजेंड एक्चुअल इन्वेंट्री कितनी बनाई सेवेंटी फाइव थाउजेंड यूनिट्स अब जितनी आपने इन्वेंट्री बनाई ना जितने आपने इन्वेंट्री बनाई बस उतने यूनिट्स पे ही वन पॉइंट फाइव के हिसाब से आपको कॉस्ट में एड करने को मिलेगा जितनी आपने इन्वेंट्री बनाई बस उतनी यूनिट्स के हिसाब से 1.5 करना और इतना ही अमाउंट आप इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर सकते हो चलो करके देखते हैं मैंने बनाया सेवेंटी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का वैल्यू करना तो मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई बाय रुपीज पर यूनिट बराबर तो कितना हो गया वन लैख वन लैख टाइव हंड्रेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वन लैख टाइव हंड्रेड बराबर वो बोलता है इतना ही आप ऐड करोगे ऐड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी आप भी मुझे ये कह रहे थे ना पूरा मत ऐड करने देना सर देखो ये फॉर्मेट ही इतना प्यारा है कि उसको पूरा ऐड करने देगा ही नहीं उसको पूरा ऐड करने को देगा ही नहीं कैसे करेंगे सर सिंपल टोटल कॉस्ट जितना इंकर किया डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी सर नॉर्मल क्यों फिक्स्ड ओवर है जितना आपने बनाया उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आप चाहते तो पूरा एक लाख बना सकते थे बराबर तो उससे डिवाइड करना तो आपको मिलेगा पर यूनिट फिर उससे पूछना हे जतिन तूने कितना बनाया था तो बोलेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड बनाया था तो बस सेवेंटी फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव अलाउ करेंगे आपको तो वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड ही आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड कर सकते हो सर बैलेंस वन लाख फिफ्टी में से चलो वन लाख ट्वेल्व तो हमने इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दिया मतलब मैं मानूंगा मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट इतने अमाउंट से बढ़ जाएगी बैलेंस तो उसका बाद भी कर लेते हैं भाई दाभ बैलेंस का जवाब पता है आपको जो बैलेंसिंग फिगर है जो बैलेंसिंग फिगर है कितना आता है रे भाई कितना आता है थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये जाएगा आपके प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज अ लॉस जाएगा आपके लिए पी एन एल में जाएगा बेसिकली ये है. है ना इसको प्यार से आप ऐसा कह सकते हो दिस इज बेसिकली एन एब्जॉर्ब्ड एन एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट स्लैश एब नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल नहीं बोलना चाहिए actually, cost बोलना चाहिए जो भी तुमको बोलना है बोल दो भाई इसको बोलते हैं abnormal, आप इन्वेंट्री में एबजॉर्ब नहीं कर पाओगे ये सब टर्म्स वगैरह थोड़े से टेक्निकल है ये अगेन ये सब कॉस्टिंग में आता है कॉस्टिंग में सीख जाओगे टेंशन मत लेना ठीक है <coughs> तो टोटल तो आपने इतना खर्चा किया था इतने खर्चे में से आपने वन लैख ट्व क्या किया इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड किया बैलेंस जो बचता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस बुक कर दोगे खर्चा हो गया आपका ये मतलब आपको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं करने को देगा वो बोलेगा अलग से प्रॉफिट लॉस में दिखा एक्सपेंस करके तुमको बेसिक आइडिया है मैंने क्या बोला बेसिक आइडिया आया कि मैंने क्या बोला लिखा ये लिखा ये लिखना है बस साथ साथ में लिखते रहा करो मेरे ठीक है अभी तो मैंने ना एक एग्जाम्पल दिया है मैं ऐसे दो तीन और केसेस बनाऊंगा आपके साथ तो एकदम कंफर्टेबल कर दूंगा आपको ठीक है और फिर अपन तो कंसर सीख रहे क्वेश्चन करेंगे तो और कंफर्टेबल हो जाएंगे मजा ही आ जाएगा बराबर क्या यस चलो मैं आगे बढ़ू एकदम एकदम आगे आगे बढ़ जाते सर। आगे बढ़ जाते जाते हैं हैं सर सर श्रेष्ठ अदर्स में यस चलो अब है ना मैं एग्जाम्पल नंबर टू ले रहा हूं लिखना है भाई लिखो ये नहीं लिखा कि लिखा लिखा गया चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं लिखा करो साथ साथ में सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी वन लैख था अब एक्चुअल को चेंज कर लेते थो थोड़ा सा ठीक है तो मैं लिखता हूं वो जतिन लिमिटेड फैक्ट्री रेंट ब्रैकेट में लिखना फिक्स्ड ओवर एड वन लैख फिफ्टी नॉर्मल कैपेसिटी वन लैख यूनिट्स एक्चुअल कैपेसिटी वन लाख यूनिट्स जतिन ने बढ़िया बढ़िया काम किया भाई जतिन बोलता है जितना सोचा था उतना ही बनाया ए हे सर जतिन ने करके दिखा दिया सर जतिन बोलेगा आज मैं करके आया टारगेट अचीव <coughs> तो एक लाख यूनिट्स नॉर्मल कैपेसिटी एक लाख यूनिट्स एक्चुअल कैपेसिटी ठीक है अब इसका प्रोसीजर फॉलो करने का सबसे पहले सबसे पहले आप निकालोगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हम इसको किस किससे डिवाइड करेंगे This is all, हमेशा लिख दिया करू दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपैसिटी दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपैसिटी तो आपको अगर मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो मैं बोलूंगा वन लैख फिफ्टी रुपीज डिवाइड बाय वन लैख यूनिट्स तो आप बताओगे रुपीज़ वन पॉइंट फाइव पर यूनिट आ जाएगा ठीक है एक सवाल पूछो आपसे एक सवाल पूछता हूँ ठीक है जैसे पिछले बार मैंने कैसे बाइफिकेशन दिया था कि वन लैख ट्वेल्व फाइव हंड्रेड इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करना है थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इसके लिए बता पाओगे कहाँ किस कितना कहाँ जाएगा इसके लिए भी सेम बाइफिकेशन दे पाओगे कि इन्वेंट्री के कॉस्ट में कितना ऐड करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करेंगे बता दोगे तो मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा सर बताओ टाइम स्टार्ट ना दस सेकेंड दे रहा हूं करो <गणगा> बोलते पूरा वन लैख फिफ्टी जाएगा इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या बात कर रहे हो यार मुझे किसने माही ने आंसर किया नमन मिहिर पूजा ने आंसर किया गरिमा ने भी सेम आंसर बाकी लोग क्या बोलते हैं कनिष्क दिशा जतिन सेजल गणशक्ति रजदा तनिष्का विक्रम सबने सेम आंसर सुमिल ने भी सेम आंसर श्रेष्ठ ने भी सेम आंसर शिवांगी ने भी सेम आंसर व्रज ने भी सेम आंसर पीएनएल में कुछ यार तुम सबको सेम आंसर कैसे आ रहे मज़ा ही नहीं आया अरे मजा ही नहीं आया तो बोलते ना सारा मूड खराब कर दिया अरे मुझे लगा चार पांच रॉन्ग आंसर आएंगे थोड़ा उनको हम लेंगे आटे में मजा ही नहीं आ रहा यार देखो तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं खेल रहा यार ठीक है मैं नहीं खेल रहा तुम अगर अगली बार आंसर करोगे ना मैं अपनी बेसरी आवाज में तुमको गाना सुनाऊंगा ठीक है फिर बोलना मत सर गाना मत गाया करो याद रखना अगली बार एट आंसर किया गाना सुनना पड़ेगा मेरा ठीक है देख लो इधर तो अभी मैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कैसे करूंगा फिक्स कॉस्ट वन लाख फिफ्टी है इसको लिख दो सबसे पहले इन्वेंट्री के कॉस्ट में कितना जाएगा कितना जाएगा इन्वेंट्री में तो आप देखना आपने एक्चुअल में कितना बनाया एक्चुअल आपने बनाया है वन लाख यूनिट्स इन रुपीज वन पॉइंट फाइव बराबर गया तो पूरा वन लैख फिफ्टी चला गया इन्वेंटरी में पूरा वन लैख फिफ्टी चला गया इन्वेंटरी में व्हाट अबाउट बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे अब ऐसा क्यों हुआ आप थोड़ी लॉजिक लगाओगे क्यों हुआ ऐसा लॉजिक बड़ा सिंपल है जो काफी बच्चों ने मुझे लिखा भी है सर लॉजिकली जतिन वॉज वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी जतिन बिचारे ने जितना मैक्सिमम अलाउड था उतना पूरा बना लिया तो उस केस में तो सर पूरा अलाउ करना चाहिए ना यार उसको सिंपल अरे ऐसा मान लो सौ मार्क का पेपर था आपने सौ मार्क का पूरा लिखा तब तो यार <laughs> अच्छी बात है ना यही है जतिन ने भी यही काम किया जितना मैक्सिमम अलाउड था उसने ना पूरा बना लिया तो यार फिर तो पूरा रेंट ऐड करने देना चाहिए उसको जितना खर्चा हुआ पूरा ऐड कर ले भाई आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन पहले वाले केस में पूरा अलाउ क्यों नहीं किया वो समझाना आपको ठीक है क्योंकि कम बनाया उसने चलो अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पागे चलो अगर आप यहां तक क्लियर हो तो एक्स्ट्राप आगे बढ़ो आपके साथ मजा आ जाएगा आप लोग को चलो मेरे ख्याल से आप लोग अभी एक्स्ट्राप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तैयार हो तैयार हो तैयार हो सर मान लो सेम चीज लेता हूं थोड़ा सा लिखना फिक्स्ड ओवर फिक्स्ड फिक्सड ओवर अभी ओवर को मैं ओएच लिखूंगा ठीक है वन लैख फिफ्टी ओके नॉर्मल कैपेसिटी वन लाख यूनिट्स नॉर्मल कैपेसिटी वन लाख यूनिट्स ठीक है अब मैं बात करता हूं एक्चुअल कैपेसिटी की अब ये जो अपना जतिन है ये जतिन नॉर्मली तो कितना एक लाख बना सकता है लेकिन जतिन बहुत हार्ड वर्किंग है उसने दिन रात काम किया उसने दिन रात काम किया और उसने नॉर्मल से भी ज्यादा बना लिया उसने एक लाख बीस हजार यूनिट बना लिए सर ये कैसे पॉसिबल है सर देखो हम जब नॉर्मल कैपेसिटी निकालते तो हम मानते 24 घंटे में जतिन 12 घंटा काम करेगा ये मान के हम निकालते ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं अब मान लो जतिन यार कमिटेड आदमी था जतिन इतना काम करता था बारह घंटा काम कर रहा है बाकी बारह में से आठ घंटा फोन पे चिपका हुआ गर्लफ्रेंड के साथ तो सोचता है गर्लफ्रेंड से बात करते करते क्या करे चल और किताब बना लेते बैठे बैठे तो ले किताब में डालता है पेपर और बात करता रहता है ले डालता है उधर मशीन में पेपर और बात करता रहता है पूरा दिन ये करता रहता है भाई वो तो उसने इतना अचानक से देखा ज्यादा बना लिया बे तो पॉसिबल तो है रेयर केस बट इट इज पॉसिबल है ना ओवर एफिशियंट हो गया वो ज्यादा एफिशियंट हो गया है ना ठीक है सर जब दिन हीरो निकला अपना तो अब आएगा कहानी में ट्विस्ट आप नॉर्मली क्या बोलते हो कि फिक्स्ड ओवर एट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। बराबर इट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी चलो बताओ पर यूनिट वाला अमाउंट बताओ आप बोलोगे मैं वैसा लिखूंगा ठीक है आप मुझे बताओगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना आप बताओगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना लेंगे तो आप बोलोगे सर सिंपल है हमको तो नॉर्मल से डिवाइड करना होता है तो हम अभी भी वन लाख से डिवाइड करेंगे ठीक है कितना आएगा रुपीज वन पॉइंट फाइव पर यूनिट आएगा ठीक है मुझे बांट के बताओगे कितना ऐड करना है इन्वेंट्री कॉस्ट में बताओ आप मुझे यही सेम ऐसा बांटते हैं न अपन कि कितना ऐड करेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट में और कितना जाएगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में बांट के बताओ ना बांटो <coughs> देखते हो तुम्हारा कितना बुद्धि चलता है बटो, बाटो अच्छा मुझे आकाश रावत ने एक आंसर किया है मुझे तरुण ने भी एक आंसर किया है ठीक है वेरी गुड अच्छा सब जो भी मेरे को आंसर कर रहे हैं मजा आ गया है सुनो आप लोग क्या आंसर करो देखो आप लोग कहां फंस रहे हो अभी देखो वो आपकी गलती नहीं है फंसोगे अब क्या हो रहा है जब आप फिक्स कॉस्ट को बांटने निकले ये जब वन लाख फिफ्टी को अपन बांटने निकले तो हम ये देखते हैं कि इन्वेंटरी में कितना ऐड करें ठीक है तो इन्वेंटरी में आपने एक्चुअल कितना बनाया एक्चुअल हम ये से लिखते ना एक्चुअल कितना बनाया तो एक्चुअल ज्यादा बना दिया भाई साहब ने अब आप प्लीज़ सब लोग यहाँ फोकस करना पेन वगैरह सब नीचे एकदम हंड्रेड परसेंट फोकस करो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ठीक है ये भाई साहब ने एक्चुअल में ज्यादा बना दिया ज़्यादा हीरो निकला ये इसने बनाया था वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स अब आप मल्टीप्लाई करोगे बाय पर यूनिट रुपीज वन पॉइंट फाइव पर यूनिट तो कितना आ जाएगा ये तो मैं बोलूंगा वन लाख ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट फाइव वन आ जाएगा बराबर मतलब आप मेरे से कह रहे हो कि आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में वन लैख एट्टी एड कर दो ठीक है और आप काफी लोग पता क्या बोलो सर बैलेंसिंग फिर गेन आ गया आपको यहां गेन आ गया आपको है ना थर्टी का गेन आ गया अब है ना गेन वेन छोड़ो तुम है ना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ठीक है एक लाख अस्सी तुम कह रहे हो वन लाख एट्टी तुम कह रहे हो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करना है दिल पे हाथ रख के बताओ इतना तुम्हारा खर्चा भी हुआ है क्या इतना तुम्हारा खर्चा भी हुआ है क्या जो तुम एक लाख वन एट्टी एड करने को रेडी हो गए नहीं सर हमारा खर्चा तो इतना हुआ ही नहीं है भाई देखो अगर सौ मार्क का पेपर है तो मैक्सिमम कितना आ सत्ता है सौ मार्क ना एक सौ बीस कहाँ से आएगा तो ना बोलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग सर अब यहाँ भी सेम है जब तेरा खर्चा ही वन लाख फिफ्टी का है तो तू इन्वेंट्री के कॉस्ट में वन लाख एट्टी कैसे ऐड कर रहा है ये तो ये तो अपन ओवर एलोकेशन कर रहे हैं ये तो गलत हो गया बोलना गलत किया देर से तो सर इधर प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे से सुनना स्टैंडर्ड ने ना इसी चीज को एड्रेस करते हुए एक बात बोली देखो आप भी सब मानते हो ना इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन लाख फिफ्टी ओनली इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू वन लाख फिफ्टी ओनली आप सबने बॉक्स में लिखा है कि नहीं नहीं सर हैिफ्टी तक ही एलोकेट होना चाहिए तो स्टैंडर्ड ने इसी चीज को एड्रेस करने के लिए बात बोल दी बोलती है कि हम ये कहते हैं ना कि फिक्सडोर एड शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बट अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल से ज्यादा निकल गई अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल से ज्यादा निकल गई तो आपको फिर नॉर्मल कैपेसिटी से नहीं पर यूनिट निकालने के लिए एक्चुअल कैपेसिटी से क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए क्या वापस से अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी मतलब आपने ज्यादा बढ़िया काम कर लिया तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड का पर यूनिट निकालने के लिए आप नॉर्मल से नहीं एक्चुअल से डिवाइड करना किससे डिवाइड करना एक्चुअल से डिवाइड करना चलो हम करते हैं ठीक है थीके? तो हम फिर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम वन लाख से नहीं वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड से डिवाइड करेंगे सर क्यों क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है इस बार तो एक्चुअल से डिवाइड करना पड़ेगा मैं इसका शॉर्टकट भी दूंगा टेंशन मत लो शॉर्टकट है पहले लॉजिक समझ लो तो इधर पर यूनिट कितना आएगा हीरो लोग ये ऐसे ही करना जैसे मैंने किया ठीक है ऐसा मत काटना एक प्यारा क्रॉस मारो रेड पेन से ताकि आपको समझे कि हमने गलती क्या करी और हम अभी सीख क्या रहे हैं तो ये वन पॉइंट फाइव के बदले कितना आ जाएगा मेरे हीरो लोग ये आ जाएगा रुपीज वन पॉइंट टू फाइव पर यूनिट बराबर ठीक है सर अब आपका जब पर यूनिट वन पॉइंट टू फाइव आया है तो इन्वेंट्री में नीचे जब लिखोगे तो आप इसको वन पॉइंट फाइव से नहीं रुपीज वन पॉइंट टू फाइव पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना रुपीज वन पॉइंट टू फाइव पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना जवाब देखना कितना आ रहा है आपका जवाब आएगा इधर वन लाख फिफ्टी हम सब ने यही अग्री किया था ना कि मैक्सिमम वन लैख फिफ्टी ही इन्वेंट्री के कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए हम सब ने यही अग्री किया था ना कि मैक्सिमम वन लाख फिफ्टी ही इन्वेंट्री के कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए यस करेक्ट आंसर श्रेष्ठ करेक्ट है भरत करेक्ट है बराबर तो इस केस में बैलेंसिंग फिगर कितना होगा इट विल बी ऑफकोर्स नील देखो आप गेन वगैरह नहीं बुक कर सकते आप लॉजिक समझो जब आपने उतना खर्चा ही नहीं किया है तो ज्यादा खर्चा बुक करके गेन बुक करना गलत हो जाएगा तो वो जो थर्टी का गेन था वो सबको एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है क्योंकि मेरी से थी। सर सबको समझा अब देखो मेरा आंसर प्रॉपर आ गया ना कि नहीं, नहीं आया बताओ प्रॉपर आया कि नहीं आया लिखा तुमने अब शॉर्टकट देने वाला हूं अब शॉर्टकट देने वाला मुझे पता आपके मन में डाउट आएगा सर ये तो कन्फ्यूजिंग हो गया हमको कैसे याद रहेगा अरे भाई के होते हुए टेंशन लोगे क्या अरे भाई अभी जिंदा है कैसी बातें कर रहे हो तुम अब इसका शॉर्टकट सुन लो सर सीधा सीधा बताओ फिक्स्ड ओवरहेड को किससे डिवाइड करें सीधा सीधा बताओ ठीक है शॉर्टकट दे रहा हूँ सुनना इधर मैंने कंसेप्ट लिखाया था ना मैंने क्या लिखा था बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ये लिखा था ना इधर मैंने ये आर, ये जो ब्रैकेट बन किया था उसको खोल रहा हूँ मैं वापस ठीक है बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऐसा लिखना और एक्चुअल कैपैसिटी बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपैसिटी और एक्चुअल कैपैसिटी विच एवर इज हायर विच एवर इज हायर है हाँ ये फॉर्मूला से तुम जिंदगी में कभी गलत नहीं हो सकते ये व्रज ने बता भी दिया था गुड जॉब व्रज विच इज हायर थैंक यू सोनिया सबको समझा के मैंने क्या बोला अब देखो तुम ये वाला जो फंडा है जित, तीन एग्जाम्पल किया ना तीनों में लगा के देख लो नहीं मानते नहीं मानते आजा लगवाता तुमसे सुनो क्या पहला एग्जाम्पल क्या था वन लैक नॉर्मल सेवेंटी फाइव इज एक्चुअल पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करूं नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर तो हमने किससे डिवाइड किया नॉर्मल से डिवाइड किया बिकॉज वो हायर था ये मैं पर यूनिट निकालने के लिए बता रहा हूं कि जब आपको पर यूनिट निकालना हुआ तो किससे डिवाइड करेंगे है ना तो लिख देना दिस इज टू रिमूव पर यूनिट दिस इज टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट पर युनिट। पर यूनिट यूनिट निकालने के लिए नॉर्मल और एक्चुअल एवर इज हायर बराबर अच्छा एग्जाम्पल नंबर वन में समझा एग्जाम्पल नंबर टू में देख लो आपने एक लाख था एक लाख ही बनाया एक लाख था एक लाख ही बनाया तो वन लाख फिफ्टी डिवाइड बाई वन लाख बराबर उस दोनों सही में था तो किससे डिवाइड करो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई है ना ठीक है एग्जाम्पल नंबर थ्री में देख लो वन लाख और वन लाख ट्वेंटी हायर कौन सा था वन लाख ट्वेंटी बस हायर पर यूनिट निकालने के लिए उससे डिवाइड करो वन लाख ट्वेंटी से डिवाइड करो भाई ले आया सर <coughs> तुमको समझा के लॉजिक ये फॉर्मूला समझा फिक्स आज के बाद कोई पूछे ना फिक्स्ड ओवरहेड किसके ऊपर बेस करना है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सर नॉर्मल और एक्चुअल विच इज हायर उससे डिवाइड करना है टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जैसे ही आपको मिलेगा पर यूनिट बाईफेयर करना अपने को आता ही है कितना फिक्स्ड कॉस्ट है इसमें से इन्वेंट जितनी बनाई उसमें इतना एलोकेट करेंगे बाकी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान रखना गेंद वगैरह कभी मत बुक करना पहले तुम यहाँ बताओ यहाँ तो तुम क्लियर हो क्या प्लीज बताओ ना यहाँ तक यार जल्दी जल्दी क्लियर हो एकदम परफेक्ट है सर चलो मजा ही आ गया मज़ा ही आ गया भाई फील आ गई लिखा जैसे ही हुआ बोलो डन बोलो डन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती तो मजा आ जाता है यार नहीं मानते क्या ऐसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती तो मजा ही आ जाता ना सर मुझ मेरा ना दिल नहीं मानता मुझे लगता है यार प्लीज करवाओ ना सर आओ इधर एक बढ़िया क्वेश्चन करवाओ सर अरे तुमको ये जो मैंने करवाया ना ये वर्ष केस करवा दिया भाई मैंने तुमको एकदम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज के रेडी कर दिए अब देखो तुम तुमको कोई टच भी नहीं कर पाएगा भाई पता है किधर आना हाँ ये पेज नंबर फोर पॉइंट वन सिक्स फोर पॉइंट वन सिक्स के आसपास होगा किधर तो ठीक है एग्जाम्पल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू हम इसको यहीं सॉल्व कर ले क्या हम इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे ठीक है क्यों नोटबुक में अपन टाइम पास करें ना इधर ही कर लेंगे इसको जगह बन जाएगी मेरे लिए सुनो क्या बोलता है सबसे पहले बोलता है कि अ प्लांट है कितना है वन यूनिट का इस कैपेसिटी को हम प्यार से क्या बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी बोलते हैं ठीक है फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेस ऑफ नॉर्मलिटी रुपीज एटीन लैक्स होना चाहिए अच्छा एटीन लैक्स है पर यूनिट मत देखो इनका छोड़ दो ये. तो अपना नॉर्मल कैपेसिटी वन लैख एटीन लैक्स एक काम करते ही लेते मेरा दिल नहीं मानता मैं लिखा देता हूं जैसे आपने किया मैं नंबर टू ऑफ क्वेश्चन बैंक पेज फोर पॉइंट कौन सा वन सेवन है वन सिक्स ये तुमको एक बात कहूं मैं तुमको ऐसे पेज रेफरेंसिंग करने को आता है ना नोटबुक में लिखना टेक्स्ट बुक के कौन से पेज का एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में लिखना नोटबुक के कौन से पेज पे सॉल्व किया जैसे बता देना कि इधर कि नोटबुक में है पेज नंबर फोर पॉइंट समथिंग जो भी सॉरी फोर पॉइंट पेज नंबर सपोज सेवेंटीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये लिखना वरना पड़ा मालूम पड़ा एग्जाम के समय जब रिविजन करने निकाल रहे हो तो ढूंढ ही रहे हो किधर है सोल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ भाई ढूंढना हाँ चलो आओ एग्जाम्पल नंबर टू ठीक है चलो अब क्या, क्या था इसके अंदर डिटेल्स लिख लो पहले इसमें तीन चार केस है पहले बेसिक डिटेल्स लिख लो फिक्स्ड ओवरहेड हेड ,00 एटीन लैक्स है और क्या रे? नॉर्मल कैपेसिटी पता है इस सवाल को है ना मैं नहीं करने वाला आप ही करने वाले हो हैं? देखो कर, आप अपन रीड करेंगे साथ में करोगे के आप केस वन एक्चुअल प्रोडक्शन इज वन लाख यूनिट बस इतना ही तुम्हारा क्वेश्चन है एक्चुअली ये सॉल्ड एग्जांपल के फॉर्मेट में है ना तो क्वेश्चन के अंदर ही फिर बाद में सोल्यूशन शुरू कर देता है वो बराबर तो वो छोड़ दो अपने को हो गया तो केस कैपेसिटी भी कितना है अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो पहले फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में कैसे निकालूंगा बता सकते हो कैसे निकालूंगा सर किससे डिवाइड क्या था नॉर्मल और एक्चुअल ठीक है सिंपल है एटीन लैक्स डिवाइड बाई वन लाख यूनिट्स तो दोनों सेम ही है भाई तो आएगा रुपीज वन पॉइंट एट पर यूनिट अब देखो ऐसे एरो करके मत करो प्रॉपर अपन अच्छे फॉर्मेट में करते टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से हम कह दे पहला एलोकेट टू इन्वेंट्री कितना इन्वेंट्री में एलोकेट करेंगे वो बताना और दूसरा बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ये बताना कितना इन्वेंट्री में अलोकेट करेंगे कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में चलो सोच समझ के बताना क्वेश्चन अलग नोटबुक में सॉल्व करना है क्या नहीं इसी के नीचे कंसेप्ट उस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन है सब एक ही एक ही फ्लो में रखो कोई अलग नोटबुक नहीं निकालनी आपको सॉरी एटीन आना चाहिए क्या सॉरी सॉरी मेरा नहीं सॉरी एटीन आना चाहिए रियली वेरी सॉरी थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग द फैट है ये यश थैंक यू 1.80 नहीं 18 आएगा सॉरी ₹18 रुपीस पर यूनिट ध्यान रखो रखना चलो अब बताओ यस 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 सब लोग सही कर दो आज जिसने भी अगर तुमने भी 1.8 लिखा मतलब तुम छाप रहे हो हे ढंग से करो बताओ कितना इन्वेंट्री में एलोकेट और कितना प्रॉफिट एंड लॉस में वेरी गुड आंसर आपने सर पूरा बढ़िया काम किया आपने जितना नॉर्मल है उतना ही आपने बनाया है बराबर तो हम तो क्या करते हैं एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना इधर एक्चुअल प्रोडक्शन था वन लैख यूनिट्स इंटू रुपीज एटीन दैट इज इक्वल टू रुपीज एटीन लैक्स तो इसमें कितना गया नील जीरो ये तो सिंपल है भाई चलो केस बी कर रहा हूं किया ना तुमने ये फॉर्मेट पकड़ में आ गया फॉर्मेट कैसे करना एक है एक के नीचे करेंगे हम ऐसे ठीक है चलो केस बी बोलता है एक्चुअल प्रोडक्शन नाइन्टी थाउजेंड अब होएगा दूध का दूध पाने का पानी एक्चुअल कैपेसिटी कितना है नाइन्टी थाउजेंड है ठीक है मैं तो चीटर आदमी हूं मैं तो कॉपी कर लेता हूं अब मैं नहीं हेल्प कर रहा आप खुद करोगे पूरा ये वाला पार्ट आप मुझे बताओगे क्या जवाब आ रहा है जो रिकॉर्डर देख रहा है वो भी ट्राई करेगा टाइम स्टार्ट नाउ सेम मुझे ये बताना कितना एलोकेट होगा इन्वेंट्री में कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में करो टाइम स्टार्ट नाउ करो करो सॉरी कैपेसिटी में नाइन्टी करना ही भूल गया ना उसको नाइन्टी कर दू नाइन्टी करना ही भूल गया, Sir, आपने 90 गया? 90 ही तो 90 सर आपने भी नाइन्टी नाइन्टी ले रखी है क्या नाइन्टी करना ही भूल गया तो नाइन्टी एम ले रखी है सर आपने करो मुझे यश ने सबसे पहले आंसर कर दिया बाकी लोग द नेशन टू नो योर आंसर चलो जतिन दिशा सेजल का करेक्ट आंसर रसदाप का आंसर रॉन्ग है ध्यान से करो नमन करेक्ट निशा मिहिर अर्नव करेक्ट कार्तिक करेक्ट है चलो अब मेरी बारी अब मेरी बारी कैसे निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमको बेटा किससे डिवाइड करना है पर यूनिट निकालने के लिए तो हम 18 लैक्स डिवाइड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर तो मैं तो नॉर्मल से डिवाइड करेगा ना यार वन लैख यूनिट से डिवाइड करेगा तो आएगा रुपीस एटीन पर यूनिट अब मुझे निकालना है बाइफरकेशन तो मैं पहले लिख दूंगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कितना <coughs> कितना है टोटल फिक्स कॉस्ट वन एटीन लैक्स था सॉरी इसमें से दो चीज पहला एलोकेट इन्वेंट्री में कितना करेंगे अबे तो जितनी इन्वेंट्री बनाई वो देखना तो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है अब यहां तो जितनी इन्वेंट्री बनाई वो देखेंगे ना यार अभी यहां वो पर यूनिट निकालने के लिए है। तो हम बनाए 90,000 थाउजेंड यूनिट तो आ गया सिक्सटीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और सेकेंड बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहेगा बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर आपका एटीन लैक्स माइनस लॉस हो गया ये आपके लिए गाइस आज यूट्यूब पे लाइव लास्ट डे है, कल से ऐप पे लाइव होगा ध्यान रखना कल से वे वी विल बी ओनली ऑन दी एप्लीकेशन नॉट ऑन यूट्यूब ओके भी करी लो अब लगे हाथ इतना किया तो के सी भी करके खत्म करो के सी क्या बोलते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है वन पॉइंट टू लाख यूनिट्स ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना अब खुद से ट्राई करोगे पर यूनिट निकालना फिर एलोकेशन करना ठीक है सब कुछ ऐसे ही करना पर यूनिट निकालना फिर एलोकेशन लिखना क्या मैं तो चीटर आदमी हूँ मैं थोड़ी चीटिंग कर लूँ हल्की सी चीटिंग नमन शाबाश दिशा वेरी गुड सोमिल वेरी गुड बहुत ही बढ़िया बाकी बाकी लोग सब लोग ट्राई करना ठीक है टेक टेन ट्वेंटी सेकेंड इट इज ओके तुम्हारा करना बहुत जरूरी है भाई निष्का निश्क, वेरी गुड सिद्धार्थ वेरी गुड भवि वेरी गुड वरज करेक्ट mm, शिवांगी करेक्ट भवि करेक्ट रजदा करेक्ट गरिमा करेक्ट क्या बात है यार क्या बात है <coughs> कनिष्क करेक्ट रिया करेक्ट अब आ, अब तुम अब तुम हो गया अब अब तुम पक्के हो गए भाई अब मुझे टेंशन नहीं है बताओ मैं किससे डिवाइड करूँ क्या मैं वन लाख यूनिट से डिवाइड करूँ ना मुन्ना ना यहाँ एक्चुअल ज्यादा है तो हम वन पॉइंट टू लाख यूनिट से डिवाइड करेंगे टू रिमूव पर यूनिट तो कितना आएगा रुपीज फिफ्टीन पर यूनिट आ जाएगा मैं लिख दू बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर भाई ये ट्रिक है ये जो है ना नॉर्मल एक्चुअल विच एवर इज हायर मेरी ट्रिक है ये तुम खोलो मॉड्यूल नहीं मिलेगा

इल्ला इल्ला हुआ हुआ हाइला हाइला <laughs> चलो तुमने वो मूवी देखी कोई कोई मिल गया कोई मिल गया ना हाँ उसमें देखा ऐसा कहता ना इट्स मैजिक इट्स मैजिक हाय गॉड बात तू दी इट्स मैजिक इट्स मैजिक हाय गॉड बात तू दी कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है <laughs> ऐसा देखो अभी अगर इस पे क्वेश्चन आया तो पायलट के कर डांस करना इट्स मैजिक इट्स मैजिक इट्स मैजिक ऐसा डांस करना फिर बोलना कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं कुछ है अगर तुमको समझ आया तो बोलने का माँ साफ समझ आ रहा है माँ माँ जादू ने सब समझा दिया माँ जादू बहुत अच्छा है माँ बस खत्म आपन रीतते ही नहीं आपने, आपने टिक टिक रोशन टिन 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 हो गया भाई हो गया मजा आ गया मैं बताऊ तुमको इंडेस टू का दो तीन कैलकुलेशन ही बहुत क्रिटिकल है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कैलकुलेशन ये है। बाकी पूरा yes, बहुत क्वेश्चन बाकी, बाकी तो मैं गाना गा दूंगा भाई। फिर बोलना नहीं गाना गाया सर आपने चलो क्या मैं आगे बढ़ू गाइस आगे बढ़ जाओ तो गाइस आपकी आज्ञा हो तो आगे बढ़ू

ये सब कॉस्ट कंसिडर करने ठीक है आपको ये सारे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ परचेस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अब मैं ऐसे कुछ खर्चे लिखा रहा हूं ऐसे कुछ खर्चे लिखा रहा हूं जो आप कभी भी इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे ऐसे कुछ खर्चे लिखा रहा हूं जो आप कभी भी इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे तो ये सब खत्म होने के बाद एग्जाम्पल वगैरह लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ अपना ए और बी चला दो ना कॉस्ट ऑफ परचेस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अब मैं सी पॉइंट पे आ रहा हूँ पॉइंट पे लिखना एक्सक्लूज फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक्सक्लूजन का मतलब समझता है ना इसको आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे ठीक है पहले आपन सारे लिख लेते हैं फिर अपन समझने का ट्राई करेंगे ठीक है चलो सबसे पहला एबनॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज दूसरा दूसरा स्टोरेज कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट ब्रैकेट में लिखना ब्रैकेट ओपन करके लिखना बट इफ बट इफ स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन देन वी विल कंसिडर देन वी विल कंसिडर स्टोरेज कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इसको मैं समझाऊंगा बट इफ स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन देन वी विल कंसिडर स्टोरेज कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एग्जाम्पल लिख देना वाइन्स पिकल्स सिर्फ लिख के छोड़ दो समझाता हूँ मैं उसके अलावा एडमिन ओवरहेड्स एडमिन ओवरहेड्स एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पूरा चाहिए तो पूरा लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फिफ्थ सॉरी फोर्थ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स Selling and distribution overheads. Fifth Interest Charges Interest Charges Much. तरुण ये तो अच्छी बात है <laughs> तरुण बोलता है मैं तो भूल ही गया था ब्रेक भी होता है सर ब्रेक ऐसी कोई चीज होती है होती है भाई ठीक <laughs> है लिखा समझा समझाओ एक करके सबसे पहले बोलता है कोई भी एब वेस्टेज होता है ना कभी कभी मान लो मेरा पेपर जल के राख हो गया गोडाउन में पड़ा था पेपर रॉ मटेरियल जल के राख हो गया तो वो जो जल के राख हो गया वो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको आप कभी भी इन्वेंट्री या कॉस्ट में ऐड मत करना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इसको समझाने के लिए ना मेरे को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मैं लूँगा थोड़े समय के अंदर एग्जाम्पल लूँगा इसके ऊपर ठीक है इस पर एग्जाम्पल लूंगा इसको स्टार मार्क कर रहा लो इस पर मैं थोड़ी और चर्चा करना चाहूँगा ठीक है इसको तो मैं यही छोड़ देता दो फिलहाल फिर आता है स्टोरेज कॉस्ट अब इसका मतलब क्या समझने का ट्राई करना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरेज कॉस्ट सपोज मैंने पेपर लाए ये मेरा रॉ मटेरियल है पेपर इंक वगैरह सब लाया ठीक है इससे मैंने एफ जी बनाया एफ जी बनाया बुक्स अब ये बुक्स रेडी है कब रेडी हुआ मान लो ये फर्स्ट मान लो चलो आपके वो अमावस की रात कौन सी होती है भाई अमावस की रात होती है ना अमावस की रात फोर्टीन फेब दो हजार बारह को रेडी हो गया ठीक है एफ जी बनाया बुक बनाया फोर्टीन फेब को रेडी हो गया अमावस की रात अब थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेल्थ तक ये स्टॉक में पड़ा है बिका नहीं है स्टॉक में ही ठीक है थीके? तो फोर्टीन फेब से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक मैं इसको स्टोर करके रखा है ना एक गोडाउन में मैंने स्टोर करके रखा है एक गोडाउन में मैंने स्टोर करके रखा है अब ये जो स्टोर करने का खर्चा है क्या मैं इसको भी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड एड क्या तो द आंसर इज नो सर क्यों देखो मैंने क्या बोला था इन्वेंट्री बनाने का जो खर्चा है इन्वेंट्री बनाने का जो खर्चा है हम सिर्फ वो ही कंसिडर करते हैं बराबर तो मुझे बताओ ये स्टोर करने का जो खर्चा है क्या ये इन्वेंट्री बनाने में रेलिवेंट था क्या ना मुन्ना ना इन्वेंट्री तुम्हारी चौदह फेब को रेडी हो गई वो चौदह फेब के बाद बिकी नहीं सेल नहीं हुआ तो तुमने स्टोर करके रखा है उसको स्टोर करो मत करो उससे आपकी इन्वेंट्री नहीं बन रही है वो इन्वेंट्री स्टोर हो रही है आपकी तो दिस स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट नेसेसरी इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द इन्वेंट्री टू मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री बिकॉज स्टोरेज कॉस्ट कब का है इन्वेंट्री बनने के बाद का स्टोरेज कॉस्ट है बराबर तो मैं ऐसा लिख दू ये जो स्टोरेज कॉस्ट है यह इन्वेंटरी बनने के बाद वाला कॉस्ट है तो ये आपके इन्वेंट्री बनाने में रेलिवेंट नहीं है बराबर क्या तो इसको आप कभी भी कंसिडर नहीं करोगे इसको आप कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में कंसीडर नहीं करोगे इसलिए मैंने बोला एक्सक्लूजंस मतलब ये सब चीजें कभी भी इन्वेंटरी कॉस्ट में कंसीडर मत करना सबको समझा मैंने क्या बोला बट स्टैंडर्ड एक और बात बोलता है जो आर्गुमेंट आप भी मेरे से कर सकते थे कि सर अगर स्टोरेज करना नेसेसरी होता तो कुछ-कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें स्टोरेज करने से ही उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है हैं हां अरे ऐसा कौन सा एग्जांपल दो सर बताओ क्या होता है ये अरे कहते हैं ना जितनी पुरानी उतनी अच्छी अरे कहते हैं ना लिटिल लिटिल बताओ क्या बताओ क्या <coughs> जिसको जितना स्टोर करोगे उतना स्वाद बढ़िया आएगा उसका हाँ बेवड़ो दारू की बात नहीं करो अचार की बात कर रहा हूं पिकल्स तुम्हारा माइंड दूषित है खंबा बोलते हो उसको खंबा बोलोगे तुम अरे मैं ये ऐसा क्यों क्या सर आपने अचार की बोतल भी तो ऐसी होती है ना भाई <laughs> तो मैं अचार की बात कर रहा हूँ अरे अचार पिकल में ऐसे होता है ना घर पे देखना मम्मी का भी है ना अचार बनाएगी तो वो तेल डालेगी उसके बाद वो मैंगो केरी आती है वो डालेंगे फिर मसाला डालेंगे रखेंगे उसको साल भर तक हाँ देखना मजा आ जाएगा तुमको भाई तुम यार फालतू बातें मत करो देखो मेरे माइंड में आया भी नहीं था कि ये सब क्या बोलते हैं स्टोरेज वगैरह का वो दारू वगैरह मैं तो अच्छा आदमी हूँ शरीफ आदमी मैं तो पिकल्स की बात कर रहा था है ना तो अब मुझे बताओ पिकल्स वाले केस में क्या स्टोर करना नेसेसरी है हाँ दारू भी आता है उसके अंदर यार दारू में बोलते हैं ना कितनी पुरानी उतनी अच्छी है ना बोलते हैं ना ये ये दारू हमने कैसे बनाई है सौ साल नहीं दस साल तक चा, सड़े हुए चावल को रखा और दारू बनाई दारू वैसी तो बनती है सड़े हुए वेजिटेबल सड़े हुए फ्रूट सड़े हुए अनाज उससे बनते दारू भाई सर आपको इतना कैसे पता नॉलेज तुम्हारे भाई को पूरा है बेवड़ा नहीं हूं मैं मैं नहीं पीता भाई नॉलेज पूरा है ना लेकिन तो हाँ नॉलेज था तुम्हारे भाई को तो वही जितनी पुरानी उतनी अच्छी इस केच में स्टोरेज नेसेसरी है तो इनके स्टोरेज कॉस्ट आप इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हो तो मैं लिख दू इधर वही लिखा हुआ है इनका स्टोरेज इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देर फॉर एड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री देर फॉर एड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री राधे कहती है आइसक्रीम भी अरे मैडम आइसक्रीम रखने से सड़ जाती है ठीक <laughs> है वो बोले फ्रीज हो एक रात में फ्रीज हो जाएगा वो तो <laughs> चलो नहीं नहीं आइसक्रीम भी आ सकता है यस हम भी नहीं पीते नॉलेज हमको है रहने दो भाई रहने दो तुमसे मैंने पूछा तुम पीते हो नहीं पीते हो मैं डिसाइड करूंगा ठीक है यहाँ का मुखिया मैं हूँ मुझको बहुत अच्छे से आता है इसको बिल्कुल नहीं आता है मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा चलो बिल्कुल नहीं पीते ओनली टन लाइन पी सर <laughs> क्या फालतू बातें करते हो तुम लग रहे समझ गया तुम लोग ये वाला पार्ट तो ठीक है तो मैं ये बुक्स वाला मिटा रहा हूँ मैंने सुनो वापस से मैं एक बार रिपीट कर दूं अगर कुछ क्वेरी रहेगा तो पूछ लेना ठीक है पूछ लेना मतलब समझ लो सुन लो स्टोरेज कॉस्ट नॉर्मली स्टोरेज कॉस्ट हम इन्वेंट्री बनने के बाद इंकर करते हैं तो वो स्टोरेज कॉस्ट कभी भी कंसिडर मत करना लेकिन 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 अगर आपको लगता है कि स्टोर करने से मेरी इन्वेंट्री एनहेंस हो रही है मेरी इन्वेंट्री का मैन्युफैक्चरिंग स्टोर करने से ही हो रहा है जैसे दारू और अचार तो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट को आप कंसिडर कर सकते हो सबको समझा मैंने क्या बोला सिंपल एकदम सिंपल ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए तो स्टोरेज कॉस्ट अगर आए कुछ नहीं बोला तो इन्वेंट्री कॉस्ट में मत ऐड करना क्योंकि स्टोरेज करने से आपकी इन्वेंट्री बन नहीं रही है सिर्फ स्टोर हो रही है ठीक है बट आपको लगता है कि स्टोर करने से इन्वेंट्री बन रही है तो फिर ऐड कर सकते हो ठीक है देखो मैंने आपको पहले एक, एक रूल बताया सिंपल सा इन्वेंट्री बनने के खर्चे को हम कॉस्ट में ऐड करते हैं बराबर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिरेक्ट आर नेसेसरी टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इन्वेंट्री बनाने वाले खर्चे को कंसिडर करना है स्टोरेज का खर्चा इन्वेंट्री बनाने के लिए नहीं होता है नॉर्मल केसेस में सिर्फ वाइन्स और पिकल्स में होता है तो इसलिए ऐड किया बाकी सारे केस में नहीं होता है ठीक है ध्यान रखना उसके अलावा और बाकी तीन तो बड़े सिंपल है अगर कोई भी एडमिन नेचर के खर्चे है तो वो कंसिडर नहीं होते वट इज द मीनिंग ऑफ एडमिन सपोज हम फैक्ट्री में हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अभी इस कंपनी का एक हेड ऑफिस भी है हैड़ उफिस। हैड़ उफिस में समझ लो आ, अंशुमन बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा है अंशुमन कंप्यूटर पे काम कर रहा है हेड ऑफिस में बैठ के क्या काम कर रहा है अरे वही सेल्स के ऑर्डर देख रहा है परचेस का ऑर्डर देख रहा है अकाउंटिंग कर रहा है ये अंशुमन को जो पगार देंगे इसको बोलते हैं एडमिन ओवर मतलब फैक्ट्री में काम नहीं करने वाले लोग जो किधर और बैठ के काम कर रहे तुम्हारे कंपनी का बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग उसको बोलते हैं एडमिन ओवर मतलब ये एडमिन वाले वो लोग हैं जो फैक्ट्री में इन्वॉल्व नहीं है बैठ के कोई दूसरा काम कर रहे हैं बराबर तो उसका जो खर्चे है वो कभी भी आप कंसिडर नहीं करोगे वो कभी भी आप कंसिडर नहीं करोगे ध्यान रखना तो आपको चाहिए एग्जाम्पल लिख सकते हो सैलरी टू एम्प्लॉयज एग्जाम्पल सैलरी टू एम्प्लॉइज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सैलरी टू एम्प्लॉयज आर नॉट इन्वॉल्व इन मैनुफैक्चरिंग ये मेरी क्लास है और मैं यहां का जयकांत शिक्र है बात तो सही है <laughs> अच्छा डालोगे बाद में मारूंगा चलो <coughs> नमन बोलता है इसके पीछे रीजन क्या रीजन ही तो लिखा रहा हूं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है वो एडमिन काम कर रहे हैं ना बाबा ऐसा समझो ठीक है एक, एक और एग्जाम्पल तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बुक मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हूँ मैं ठीक है बुक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ठीक है थीके? अब मेरा एक एम्प्लॉई है

तो वो इन्फ्लुएंसर को जो मैंने पगार दिया तुमने देखा रहेगा ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का तो वो जो मार्केटिंग किया वो इन्वेंट्री बनाने का खर्चा है क्या कि इन्वेंट्री बेचने का खर्चा है वो जो आप मार्केटिंग करते हो है ना ये सब ओवरइड्स इंकर करते हो ये इन्वेंट्री बेचने का खर्चा बनाने का खर्चा नहीं है तो ये जो खर्चे होते हैं ये कभी भी आप कॉस्ट में एड नहीं करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड्स बोलते हैं इसको मार्केटिंग एक्सपेंस बेसिकली एग्जाम्पल में लिखा सकता हूँ एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग तो ये बनाने के खर्चे नहीं इन्वेंट्री आर नॉट रेलिवेंट टू मेक द इन्वेंट्री सिंपल रूल याद रखो ये सवाल अपने आपसे एक ही पूछना ये क्या ये इन्वेंट्री बनाने में रेलिवेंट है क्या नहीं ना कहानी खत्म क्लियर यस यस श्रेष्ठ वो होगा ना लॉजिकल श्रेष्ठ ने क्या पूछा पता है अगर स्टोरेज मैं इन्वेंट्री बनाने के पहले कर रहा हूं तो जैसे वाइन्स पिकल्स में स्टोरेज अपन क्यों इनकम कर रहे हैं इन्वेंट्री बनाने के लिए तो कंसिडर करना है अपने चलो। आगे, अब को क्या मैं कॉस्ट में एग्जाम्पल देता हूँ मान लो मैं ट्रेडर हूँ ट्रेडर ट्रेडर। ट्रेडर मतलब समझता है फिनिश गुड्स खरीदता हूँ फिनिश गुड्स बेचता हूँ तो मान लो मैं लैपटॉप खरीदता हूँ ठीक है मैं लैपटॉप अलग अलग दुकान से खरीदता हूँ और फिर तुम जैसे स्टूडेंट लोग को महंगे में बेचता हो ये बिजनेस है मेरा सर ऐसा कैसा बिजनेस है? है मैं पूछता वैसे जैसे फॉर एक्जाम्पल नमन को पूछूंगा नमन क्लासेस एफ आर की ए, क्लासेस लेगा एडवांस अकाउंट्स की बोलता हाँ लेगा लैपटॉप चाहिए नमन बोलता चाहिए मैं बोला ये ले एक लाख रुपये का लैपटॉप है देखो तेरे लिए सिर्फ वन लाख ट्वेंटी में बेच रहा हूँ तो ये धंधा है मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है मेरा लैपटॉप खरीद के लैपटॉप बेचूंगा ठीक है तो अब ऐसा मान लो ये लैपटॉप परचेज करने के लिए

ठीक है आया सर आए <coughs> तो क्रोमा में गया मैंने बोला शहनशाह पधारे लैपटॉप दिखाया जाए तो लैपटॉप दिखाया उन्होंने तो लैपटॉप देखा मैंने एक लाख रुपए का लैपटॉप था इट वॉज ऑफ लैख ठीक है मैंने बोला ऐसे दस पैक कर देना तो ऐसे दस लैपटॉप पैक करवा लिए तो कितना हो गया दस लाख रुपए हो गए रुपीज टेन लैक्स दस लाख रुपए हो गया ना भाई हो गया हो गया रुपीस टेन लैपटॉप तो पैक करवाए उसने मुझे दिया मैं ऐसा लेके जाना लग गया लेके चलो, 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 चलो। मुड़ा मैं बोला क्या हुआ तो बता उसने मुझे क्यों रुकाया देखो मैंने बोला दस लैपटॉप दे दो उसने मुझे दिया पैक करके दिया मैं लेके जाने लग गया उसने बोला मैं मुड़ा बोला क्या हुआ बताओ क्यों रुकाया बताओ क्यों रुकाया हाँ पैसा कौन देगा पैसा निकाल मैंने बोला <laughs> मैं भी कितना मासूम पैसा देना ही भूल गया भाई साहब क्यूट हो ना भूल गया तो बोलता ओ क्यूटनेस बाजू में रखो पैसा दो मैंने बोला एक बात बताना भूल गया <laughs> एक बात बताना भूल गया ये डे वन चल रहा है मैंने बोला पैसा आज तो नहीं है मालिक एक साल बाद दू क्या बोलते क्या मैं बोला यार मैं रेगुलर कस्टमर हूं थोड़ा थोड़ा समय दो ना एक साल बाद देता हूँ पैसा तो मैंने बोला आफ्टर वन ईयर होगा पेमेंट अब उसने मुझे बोला ठीक है ठीक है आकाश कंदोई हो इसलिए अलाउ करता हूं लेकिन एक साल बाद लूंगा तो दस लाख नहीं लूंगा बताओ एक्स्ट्रा लेगा कम लेगा कि क्या लेगा और क्यों तो लूंगा। लूंगा? लूंगा। इंटरेस्ट वो बोला एक साल के बाद पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट लगेगा सर जी मैंने बोला ठीक है तो उसने बोला पेमेंट आफ्टर वन ईयर करोगे तो ग्यारह लाख भरना पड़ेगा क्यों वन लाख रुपीस फॉर इंटरेस्ट एक साल का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा भाई है मैं ना मैंने बोला एक लाख का इंटरेस्ट ये भरने के लिए कम से कम तीस साल का समय तो लगेगा <laughs> वो बोलता है चुपचाप लेना तो बोला ठीक है जा जा दिया <coughs> अब द क्वेश्चन इज अगर मैं आपसे पूछू आपने इन्वेंट्री के लिए पेमेंट कितना किया तो आप बोलोगे यार पेमेंट तो आपने ग्यारह लाख रुपया किया है लेकिन इसमें से इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी अगर हमको कोई पूछे तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी क्या मैं दस लाख को इन्वेंट्री कॉस्ट मानू या ग्यारह लाख को इन्वेंट्री कॉस्ट मानू तो आप सब लोग बोलेंगे काफी लोग बोलेंगे ग्यारह लाख को मानो गलत जवाब गलत जवाब कुछ को लोगों ने करेक्ट आंसर किया है बोला सर इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी दस लाख ही होगी इन्वेंट्री एक की कॉस्ट ग्यारह लाख नहीं दस लाख ही होगी क्योंकि आपने इन्वेंट्री के लिए तो दस लाख ही भरा है एक्स्ट्रा एक लाख क्यों भर रहे हो क्योंकि मैं क्यूट cute था क्यूटनेस के लिए एक क्यूटनेस के लिए नहीं एक लाख में एक्स्ट्रा भर रहा हूँ फॉर इंटरेस्ट पेमेंट लेट दे रहा हूँ ना बिकॉज आई एम आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड मैं उससे मोहलत मांग रहा हूँ कुछ दिनों की वो मोहलत के लिए मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ ना कि असेट के लिए आपको दिखने में लगेगा कि एक लाख का इंटरेस्ट भी आपने इन्वेंट्री के लिए भरा है ना सर अभी इन्वेंट्री के लिए नहीं भरा है वो जो तुम पेमेंट एक साल लेट कर रहे हो इसलिए भरा है आप एक बात समझो अगर लेट पेमेंट नहीं करते तो दस लाख ही भरते हैं ना यार तो बेसिकली आप इन्वेंट्री के लिए दस लाख ही भर रहे हो बाकी जो वन लाख है बैलेंस रुपीज वन लैख ये आप बेसिकली भर रहे हो फॉर वन ईयर का क्रेडिट पीरियड ये आप इंटरेस्ट उसके लिए भर रहे हो तो ये कहां जाएगा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डू नॉट एड क्या तुमको ये बात समझ आती है जो मैंने बताई देखो अपन एग्जाम्पल ऐसे नोट्स में लिखते हुए चलेंगे ना तुमको ऐसा लगेगा ये कंजस्टेड हो रहा है कंजस्टेड नहीं आपको जब बाद में रिकॉल होगा ना मजा आ जाएगा बस ये ध्यान रखना कि जो तुम एग्जाम्पल लिखते हो उसको अलग पेन से अलग पेंसिल से लिखा करो ठीक है यस ओ मेरे हीरो लोग क्लियर है क्या ओ क्लियर है क्या हाँ क्लियर है सर अब ब्रेक आने वाला है भाई बट तुमको समझा मैंने क्या बताया एकदम सिंपल सा चीज़ था भाई ठीक है मैं एक बार वापस रिपीट कर दूँ मैंने क्या बताया इंटरेस्ट चार्जेस ये क्या चीज़ का चार्जेस है ये जब तुम एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड मांगते हो तो उस पर भरते हैं अपन जैसे लैपटॉप वगैरह खरीदा अपन ने है ना तो बोला कि पेमेंट एक साल के बाद दूंगा तो जो एक्स्ट्रा वन लैक भर रहे हो वो इंटरेस्ट का पैसा है वो लैपटॉप का पेमेंट नहीं है भाई बराबर तो आपके इन्वेंट्री का कॉस्ट दस लाख ही होगा वो वन लाख जो आपने एक्स्ट्रा भरा है वो इंटरेस्ट है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबको समझा मैंने क्या बोला एकदम बढ़िया सर ठीक है तो अभी अपन लेंगे ब्रेक ब्रेक के पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे दूँ मैंने क्या पढ़ाया मेरी मेरी है ना मुझे बहुत मजा आता है रिवाइज़ करवाने में ठीक है क्योंकि मुझे चाहिए कि आप पूरा याद करके जाओ यहीं से ओवरव्यू दे रहा हूँ डिटेल रिविजन लेक्चर के एंड में करवाऊंगा पूरे सबसे पहले आपने ए एस शुरू किया था इन्वेंट्रीज मैंने बताया डेफिनेशन जिसको बेचना आपका धंधा है वो इन्वेंट्री होता है फिश गुड्स डब्ल्यू आई पी रॉ मटेरियल्स ठीक है क्या क्या स्कोप में नहीं आएगा वो दिया हुआ वो ठीक है फिर आता है मेजरमेंट कैसे मेजर करेंगे बोलते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी तो हम आगे डिस्कस करने कॉस्ट में क्या क्या आएगा ठीक है तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा जो भी खरीदने के खर्चे वो आएंगे उसमें परचेस प्राइस आ गया ट्रेड डिस्काउंट मिला तो माइनस कर देना ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर कोई टैक्सेस रिफंडेबल है तो कंसिडर मत करना सिर्फ नॉन रिफंडेबल कंसिडर करेंगे फिर आएगा डायरेक्टली एल्ट्रीब्यूटेल आए, एक्सपेंसिस इसमें क्या क्या आता है सिर्फ अपना सवाल पूछना क्या ये खर्चा इन्वेंट्री बनाने में रेलिवेंट है क्या इफ द आंसर इज यस कंसिडर करना है सिंपल फिर आएगा अब तो ये आया रॉ मटेरियल मान लो आप मैन्युफेक्चरिंग बिजनेस में हो तो आर से एफ में कन्वर्ट करने का खर्चा भी आएगा उसमें आएगा डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल ओवर एड्स फिक्सड ओवर एड्स डायरेक्ट और वेरिएबल बड़े सिंपल है जितना आप यूनिट बनाओगे उतना आप कॉस्ट एलोकेट कर देना बट आएगा मजा फिक्स ओवर के अंदर बिकॉज ये वेरी नहीं करता है ये सेम रहने वाला है कितना भी बनाओ तो हम कितना एलोकेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तो दो स्टेप है पहला स्टेप आप पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे बराबर आप निकालोगे कॉस्ट पर यूनिट ये निकालने के लिए कितने यूनिट से डिवाइड करें तो मैंने क्या सिखाया नॉर्मल एक्चुअल विच एवरेज हायर उससे डिवाइड करना बराबर और फिर हम एलोकेशन करेंगे तो जितना भी यूनिट्स बनाया मल्टीप्लाई बा पर यूनिट उतना एलोकेट करना बैलेंस फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये वैसे मैंने एग्जांपल भी करा है आपने क्वेश्चन भी किए हैव दैट कॉन्फिडेंस यू नो द सॉल्यूशन ठीक है डोंट वरी अबाउट इट उसके बाद हम आ गए थे कुछ ऐसे खर्चे जो कभी भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में एलोकेट मत करना पहला कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है मत कंसिडर करना इसके ऊपर एग्जाम्पल मैं ब्रेक के बाद लेने वाला हूँ फिर आएगा स्टोरेज कॉस्ट मतलब अगर आपने इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए खर्चे इंकर किए हैं बट ये खर्चा क्या होता है इन्वेंट्री बनने के बाद का खर्चा होता है कंसिडर मत करना हाँ कभी कभी स्टोरेज करना इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो फिर कंसिडर करो कि वरना मत करना एडमिन के खर्चे जो आपके इंप्लॉयज बैठे मेन ऑफिस में हेड ऑफिस में, में बैठे उसके पगार वगैरह वो नहीं आते मार्केटिंग वाले खर्चे ये बेचने का खर्चा है बनाने का खर्चा नहीं है कंसिडर मत करना इंटरेस्ट का खर्चा या आपने पेमेंट किया है इंटरेस्ट का फॉर एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड नॉट फॉर दी लैपटॉप नॉट फॉर द इन्वेंट्री तो वो भी कंसिडर मत करना इट ठीक है चलो अब लेते बढ़िया सा छोटा सा प्यारा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम करेंगे रिज्यूम क्योंकि एक ठीक है वाई चलो, तो आई होप आपको समझ आ रहा है है ना सब कुछ ऐसा ही है सब कुछ बड़ा सिंपल सा है बस मुझे सुनते हुए चलना लिखते हुए चलना नोट बनाते हुए चलना सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपको आ ही जाएगा ठीक है चलो हैं बढ़िया सा ब्रेक शुक्रिया अरिवन थैंक यू सो मच कितने टाइम में आओगे फोर थर्टी एट हो रहा है ना फोर फिफ्टी फाइव को आ जाओ चलो ठीक है फोर फिफ्टी फाइव को आज मैंने तुमको एक मिनट एक्स्ट्रा ब्रेक दिया है दिल दरिया है अपना ना इसलिए जाओ इट्स मैजिक इट्स जाओ बाय बाय स्वागत नहीं करोगे हमारा चलो आ जाओ फटाफट से जल्दी से आ जाओ हीरो, हीरो, हीरो इन लोग हीरो हीरोइन लोग वरना बोलोगे सर सिर्फ हीरो बोलते हो <coughs> जल्दी आओ जल्दी आओ चलो कल से क्लास ऐप पे हो गया जिसको भी ऐप में दिक्कत है टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करना आपको हेल्प करेंगे ठीक है यस स्वागत है आपका स्वागत नहीं करोगे हमारा बुलाओ क्या शेरा को चलो कंटिन्यू करू स्वागत नहीं करोगे हमारा बुलाओ क्या शेरा को बुलाओ क्या हिरन को चल फुटपाथ पे मिल फटाफट हाँ ये ये सलमान खान की मेरी एकदम गंदी मिमिक्री थी बुलाओ क्या शेरा को बुलाओ क्या बुलाओ क्या बुलाओ क्या बुलाओ क्या कल क्लास है क्या भाई रोल लेक्चर है जब तक मैं ना बोलूँ छुट्टी तब तक रोल लेक्चर है कल भी लेक्चर है ठीक है देखो जिस दिन तुम सीए में आए ना तुम्हारे सारी जो पब्लिक हॉलीडेज है ना वो मेरी कोई हॉलीडे नहीं है मैं सब क्लास लूंगा तुमको छुट्टी से संडे को मिलेगा और बाकी जब मैं बोलूँ अलग से तब ठीक है चलो बुल्ला के शेरक को बुल्लाओ क्या हिरन को फुटपाथ पे मिल चल फुटपाथ पे क्यों मिल तुमको पता है ना वो फुटपाथ पे क्या होता है फुटपाथ पे मिलेगा तो ड्राइवर से गाड़ी चलवा के तेरे ऊपर से उड़ा दूंगा <laughs> चलो तो किसी ने मुझे परेशान किया उसको फुटपाथ पे बुलाऊंगा मैं एनीवे anyway, वे चलो आ जाओ अपन क्या कर रहे थे भाई एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज बराबर अब मुझे ना एबनॉर्मल वेस्टेज को लेकर कुछ एग्जाम्पल देना मैं दे दूँ क्या इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ मैं ठीक है एबनॉर्मल वेस्टेज तो मैं इसी को डिस्कस कर लूँ थोड़ा आ जाओ ठीक है अब देखो दो तरह के लॉस होते हैं इस दुनिया में एक होता है नॉर्मल लॉस ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप भी जब पढ़ने बैठते हो ना आप बोलते चल मैं घंटा पढ़ूंगा अब आपको पता है घंटे में यार थोड़ा बहुत समय तो लॉस होता ही है तो आप बोलते हैं बारह में से मैं ग्यारह घंटे ही पढ़ पाता एक घंटा टाइम पास हो जाता है सर एक घंटा टाइम पास हो जाता है ये एक घंटा हो गया नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है सपोज मालूम पड़ा एक घंटे के बदले आप वो इंस्टाग्राम चला रहे थे इंस्टाग्राम पे मुजरा देख रहे थे है ना वो एक घंटे का तीन घंटा हो गया बराबर तो जो एक्स्ट्रा दो घंटा हुआ ना ये आपका एबनॉर्मल लॉस होता है ये आपका क्या होता है एबनॉर्मल लॉस दिक्कत अपने को नॉर्मल लॉस से कि एबनॉर्मल लॉस से दिक्कत अपनी एबनॉर्मल लॉस से है <coughs> एबनॉर्मल लॉस जो भी होता है ना वो कभी भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में नहीं आता है नहीं कभी भी कॉस्ट में नहीं आता है वो जाएगा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जो अब नॉर्मल वेस्टेज होती है वो हमेशा जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में ठीक है नुकसान हो गया आपका वो सीधा सीधा मैं इसका और एग्जाम्पल देता हूँ आपको बढ़िया सा सपोज़ ऐसा मान लो मैंने कोई माल मंगाया सपोज मैंने बुक्स मंगाई है ना मैं ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूँ बुक्स ठीक है तो अभी लिखो मत ये रही मेरी बुक्स ठीक है इतनी सारी मेरी बुक्स है अब ऐसी है ना एक हज़ार बुक्स ट्रक के अंदर आ रही है ठीक है ट्रक में टेम्पो के अंदर भर के आ रही है अब आप मुझे बताओ जब इतनी सारी बुक्स आप ट्रांसपोर्ट करवाओगे ऐसा बुक को उठा के टेम्पो के अंदर पटकोगे टेम्पो ऐसा चलाते चलाते हिलेगा है ना और जब तक मेरे वहां पहुंचेगा थोड़ा बहुत तो नुकसान हो चुका होगा ना हल्का फुल्का हल्का सा नुकसान तो हो चुका होगा ना गाइस उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस ठीक है तो हम चलो मान लो ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैंने हजार बुक्स खरीदी परचेस्ड है ना मतलब डिलीवरी मंगा रहा हूं मैं बनवा नहीं रहा हूं डिलीवरी मंगा रहा हूं एट रुपीजी पर यूनिट हजार बुक खरीदी एट रुपीजन पर यूनिट ठीक है तो टोटल पे कितना पेमेंट किया आपने थाउजेंड इंटू वन फिफ्टी इसके लिए भी कैलसी यूज किया तो कैलसी उठ के गुच्छा मारेगा तुमको अरे ये तो डिलेक्टली हो जाएगा ना भाई कुछ मैंने भी कैलसी यूज कर ही लिया वैसे तो टोटल कॉस्ट हो गया वन लाख फिफ्टी रुपीज वन लाख फिफ्टी बराबर सर ठीक है अब होता क्या जब आप ऐसे डिलीवरी करवाते हो ट्रांसपोर्ट करवाते हो अपने गोडाउन तक तो देर इज ए नॉर्मल मतलब परसेंट बुक्स डैमेज हो जाती है और डैमेज बुक्स आपके लिए पूरी लॉस है कुछ अभी सपोर्ट डैमेज हो गए मेरी बुक्स तो क्या मैं डैमेज बुक्स आपको भिजवाऊंगा आप एक्सेप्ट करोगे क्या ऑफकोर्स नहीं करोगे ना तो डैमेज अगर हो गई बुक्स तो मैं मेरा नुकसान हो गया पूरा <coughs> तो मान लो फाइव परसेंट इज नॉर्मल लॉस क्या हमको नॉर्मल लॉस से कोई दिक्कत होती है बोलो नो क्या हमको नॉर्मल लॉस से कोई दिक्कत है नहीं सर नॉर्मल लॉस तो कॉमन है सबके लिए होना है वो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब ऐसा मान लो आउट ऑफ थाउजेंड बुक्स आउट ऑफ थाउजेंड बुक्स ओनली नाइन ट्वेंटी वर इन गुड कंडीशन ओनली नाइन ट्वेंटी वर इन गुड कंडीशन ये लिखना है आपको ओनली नाइन ट्वेंटी वर इन गुड कंडीशन इसका मतलब नुकसान कितने का हो गया एट्टी बुक्स का नुकसान हो गया ठीक है अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं आपको आपका टोटल लॉस कितना था आपका टोटल लॉस है एट्टी बुक्स अच्छा इसमें से आप मुझे बताओगे नॉर्मल लॉस कितना है इसमें से क्या आप मुझे बताओगे नॉर्मल लॉस कितना है तो सर नॉर्मल लॉस तो फाइव परसेंट था तो आप थाउजेंड बुक्स का फाइव परसेंट ले लोगे थाउजेंड बुक्स का फाइव परसेंट ले लोगे तो आपको आएगा नॉर्मल लॉस फिफ्टी बुक्स बराबर इससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल लॉस से कोई दिक्कत नहीं है अपने को दिक्कत किसकी है एब लॉस की एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कितना है थर्टी बुक्स ये अपनी प्रॉब्लम है इसका जो भी कॉस्टिंग है मतलब इसका जो भी अमाउंट है ये जाना चाहिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मल लॉस से हमको लिख दू मैं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सबको समझता है वाला पार्ट ये फिफ्टी बुक्स कैसे आया आप बोल सकते हो ना थाउजेंड का फाइव परसेंट चलो सर अब नॉर्मल लॉस हो गया अब नॉर्मल लॉस मिल गया सर करने क्या है इसका है ना <coughs> तो पहले ये कंसेप्ट समझो अपने को दिक्कत अब नॉर्मल लॉस है नॉर्मल लॉस से नहीं है अब मैं करूँ क्या इसका तो स्टैंडर्ड बोलता है इफेक्टिवली आप जब भी, भी हज़ार बुक मंगाते हो आप ऐसा मानो ही मत कि आपने थाउजेंड बुक्स मंगाई है आप मानो आपने नाइन फिफ्टी बुक्स ही मंगाई है क्यों नाइन फिफ्टी क्यों क्योंकि पचास तो नॉर्मल लॉस होना ही है ना आप जब हजार बुक मंगाते हो 150 के हिसाब से तो आप ये मानो ही मत कि आपने हजार बुक मंगाई है आप मान के चलो आपने नाइन फिफ्टी बुक्स ही नाइन फिफ्टी कैसे आया थाउजेंड माइनस फाइव परसेंट ऐसे आता नाइन फिफ्टी बराबर तो आपको एक रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ये जो दे रखा है पर यूनिट ये तो उस हिसाब से जब आपको हजार बुक पूरी रिसीव हो जाती रियल में आपको हजार बुक आई नहीं है बराबर तो नॉर्मल लॉस कंसिडर करने के बाद हमको एक रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ता है तो मैं इधर लिख रहा हूं We have to compute revised per unit cost of books after considering normal loss. आफ्टर कंसिडरिंग नॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं मैं सिखा रहा हूं पहला क्वेश्चन है समझ के लेना बाद में सबसे इसके अंदर ठीक तो है तो आपका जो टोटल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस इट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस तो बेसिकली अगर लॉजिकली जाए तो आप बोलोगे वन लैख फिफ्टी डिवाइड बाय हाउ मच तो आप करोगे वन लाख फिफ्टी डिवाइड बाय नाइन फिफ्टी यूनिट नाइन फिफ्टी क्यों मान लो आप फाइव परसेंट तो नुकसान होना ही होना है ना बराबर <coughs> तो डिवाइड बाय नाइन फिफ्टी यूनिट कितना आएगा इन टू नाइन सॉरी वन लाख फिफ्टी डिवाइड बाई नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी सेवन पॉइंट एट नाइन फोर ऐसा कुछ आ रहा है हम दो डेसिमल ले लेते हैं 157.89 ले लेते 157 ले, ले, ले लिया आपने ये 157.89 याद रखना नॉर्मल लॉस कंसिडर करने के बाद के यूनिट्स लेने अपने को ठीक है 157.89 मतलब एक्चुअली इफेक्टिवली अपना पर यूनिट कॉस्ट ये होना चाहिए बोलने का 150 फिफ्टी है पर यूनिट लेकिन रियल में 150 नहीं है रियल में वो 157.89 है क्योंकि प, पचास बुक तो नॉर्मल लॉस होनी है ना आपकी उसको कंसिडर करने के बाद हमने निकाला रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट वी कंप्यूटेड द रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट अब मैं करूँ क्या इसका सिंपल अब आपको जितना भी आपने खर्चा किया उसका बाइफर्केशन देना है कि जितने यूनिट्स आए आपको रियल में 950 भी नहीं आपको उससे भी कम आया रियल में आपको 920 ही आए तो इतने मेरे इन्वेंट्री में है इतना ही यूनिट्स पे मैं कॉस्ट कैपिटलाइज करूंगा बाकी लॉस मैं लिख के दिखाता हूं इधर लिखना एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं नाइन ट्वेंटी यूनिट्स मल्टीप्लाई दिस बाई द पर यूनिट कॉस्ट वन फिफ्टी सेवन पॉइंट एट नाइन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा नाइन ट्वेंटी इन टू वन फिफ्टी सेवन पॉइंट एट नाइन विच वीव मी वन फोर फाइव टू फाइव नाइन मान लो ये मैं क्या करूँगा ये मैं इन्वेंट्री के कॉस्ट में एड करूंगा एट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब आपने जो बुक्स के लिए डेढ़ लाख रुपए भरे उसमें से इन्वेंट्री की वैल्यू सिर्फ इतनी ही मानी जाएगी 145, 259. The balance 30 जो के है. कितने है के एट्टी मत बोलना ये डी की तरह एट्टी तो टोटल है जो हुए पचास तो नॉर्मल लॉस है ये पचास को गिनो ही मत हटा दो उसको थर्टी के नॉर्मल लॉस यूनिट्स है तो जो थर्टी यूनिट्स है मल्टीप्लाई दिस बाय द सेम अमाउंट वन फिफ्टी सेवन पॉइंट एट नाइन पर यूनिट विल गिव मी हाउ मच थर्टी इंटू वन फिफ्टी सेवन पॉइंट एट नाइन विच विल गिव मी फोर्टी फोर सेवन थ्री सिक्स थ्री सेवन ले लू फोर सेवन थ्री सेवन बराबर यस ये आपका क्या जाएगा कहां जाएगा ये आपका ये है आपका नॉर्मल लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप टोटल मानोगे तो टोटल आपका वैसे आएगा वन, फोर, नाग, 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 मैं बोल दू अप्रोक्स अप्रोक्स वो फर्क क्यों आ रहा है हमने वो दो डेसिमल तक ही लिया है राउंडिंग ऑफ करके लिया हुआ इसलिए वो फर्क आ रहा है अप्रोक्स वन लैख फिफ्टी केसपास आता है ये लिख लेना ये लिख लो फिर मुझे इस पर और डिटेल में बात करनी है थोड़ी सी ये लिख लो फिर थोड़ी विस्तार में बात करनी है डन लिखा क्या शेरा अब सुनना मेरी बात मैं ये क्या करवा रहा हूँ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ अगर आप हजार बुक मंगाते हो नॉर्मल लॉस पांच परसेंट है मानो ही मत आपने हजार मंगाई है मान के चलो आप नाइन फिफ्टी मंगाई क्योंकि पांच तो नॉर्मल लॉस है पांच तो नॉर्मल लॉस है बराबर तो क्योंकि आप नाइन फिफ्टी मंगा रहे हो लेकिन पेमेंट तो हजार का करोगे पूरा पेमेंट तो पूरा वन लाख फिफ्टी करोगे तो आपको निकालना पड़ेगा एक रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट वो कैसे निकालते जितना खर्चा भरा डिवाइड बाय यूनिट्स आफ्टर द नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय द यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस तो मुझे मिलेगा रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट ठीक है अब मुझे बाइफर्केशन देना है कि नाइन फिफ्टी तो नॉर्मल लॉस के बाद था रियल में उतना भी रिसीव नहीं हुआ है रियल में उससे भी कम रिसीव हुआ है कितना रिसीव हुआ है रियल में आपको सिर्फ 920 रिसीव हुआ है ठीक है तो 920 रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट इतना आप इन्वेंटरी का कॉस्ट में ऐड करोगे बाकी जो एब्नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं 30 द कॉस्ट पर यूनिट वो आपका एब्नॉर्मल लॉस है वो जाएगा सीधा-सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर ध्यान रखना बस सर आपने तो इसका मतलब सिर्फ 950 यूनिट्स की अकाउंटिंग करी 920 और ये पचास यूनिट की अकाउंटिंग कौन करेगा पचास यूनिट की आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी हम मान रहे कि निकाला तो इसके अंदर वो पचास यूनिट का इफेक्ट आ गया जब हमने रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट निकाला तो इसमें वो पचास यूनिट का इफेक्ट आ गया तो हमको अलग से कोई लेने का जरूरत नहीं है हम सिर्फ नाइन का ही इफेक्ट लेते हैं नाइन कैसे आया यूनिट्स आफ्टर द नॉर्मल लॉस अब ये बेसिक बेसिक थर्टी फोर्टी परसेंट समझा अगर इतना समझा तो मैं एक एग्जाम्पल और डिस्कस करना चाहूंगा ताकि मैं आपको पक्का कर दू इसके अंदर ठीक है चलो आ जाओ एक एग्जाम्पल और लेते एक एग्जाम्पल और लेते हैं सपोज मैंने दूध मंगाया है दूध मंगाया दूध मंगा सकते तो दूध भी तो होता है ना अभी दूध थोड़ा स्पिल होता है स्पिल का मतलब पता है गिर जाता है थोड़ा थोड़ा ऐसा वो कंटेनर में आता है दूध गिर जाता है ना चलो तो एक काम करते एग्जाम्पल नंबर टू बनाते हैं सपोज मैंने मिल्क मंगाया पता है कितना कितना लीटर मंगाए रहे कितना दूध पियोगे <laughs> चलो पांच हजार लीटर मंगाते फाइव थाउजेंड लीटर्स एट रुपीज फिफ्टी पर लीटर ठीक है नॉर्मल लॉस अब कितना दूध गिर जाता है हमेशा तो मान लो चलो दो परसेंट गिर जाता है नॉर्मल लॉस इज टू परसेंट ठीक है <coughs> लेकिन आपको रियल में मिल्क कितना रिसीव हुआ है ये भी लिख देता हूं मिल्क एक्चुअली रिसीव्ड इज ओनली फोर सेवन फाइव जीरो लीटर्स इज ओनली फोर सेवन फाइव जीरो लीटर्स दो चीज चाहिए कैलकुलेट अमाउंट टू बी एलोकेटेड to cost of inventory calculate amount to be allocated to cost of inventory and also calculate amount of abnormal loss transferred to pnl calculate amount of cost of inventory and also calculate abnormal loss transfer to pnl

जो रिकॉर्डेड देख रहा है वो भी ट्राई करेगा पॉज करो वीडियो ट्राई करो टाइम स्टार्ट नाउ करो थोड़ा थोड़ी मिस्टेक वगैरह करो तो मजा आएगा गाइस यस यस यू कैन से दैट यू कैन से दैट एब्सोल्युटली आप ऐसा कह सकते हो करो मेरे हीरो लोग करो <coughs> मेरे को आंसर चाहिए अमाउंट इन्वेंट्री या कॉस्ट में कितना एलोकेट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जा रहा है कोशिश करो सब लोग ट्राई करना चलो आदित्य ने मुझे आंसर किया आदित्य वेरी गुड नमन ठीक है बढ़िया भवे ने सबसे पहले दोनों आंसर किया है मुझे वेरी गुड भवय कनिष्क बहुत बढ़िया ऐप पे देखने वालों आपको भी आंसर करना है तनिष्का तो सही है कविता थोड़ा गलत लग रहा है आपका सिद्धार्थ सही है चलो ओ मेरे हीरो लोग किया गया ओ फ्लाइंग किसी वालों किया गया भवी करेक्ट है हिमांशु करेक्ट है विक्रम निशा निष्का तनिष्का सिद्धार्थ आदित्य भवय सब करेक्ट है भाई साहब मजा आ गया सुनो मेरी बात अगर मिस्टेक हुआ इट इज ओके क्लास में मिस्टेक करना है ओके okay. कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसे सुन लो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट दे रहा ये कैसे निकालते टोटल खर्चा कितना लगाता आपका वो निकालना पड़ेगा पहले आपको तो टोटल खर्चा फाइव फिफ्ट फाइव थाउजेंड इंटू फिफ्टी टोटल खर्चा आपका लगा था ढाई लाख रुपया बराबर टू फिफ्टी डिवाइड बाय किससे करोगे अब जब डिवाइड करना है तो ये डे के तरह फाइव डिवाइड करना मान लो फाइव थाउजेंड लीटर दूध मंगाया ही नहीं है मान लो फाइव थाउजेंड माइनस टू परसेंट उतना ही लीटर मंगाया दैट इज फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड लीटर से अपने मंगाया बराबर क्या इतना ही मंगाया लीटर्स तो आपको कितना आएगा डिवाइड बाय फोर्टी नाइन हंड्रेड तो आएगा फिफ्टी वन पॉइंट जीरो टू रुपीज फिफ्टी वन पॉइंट जीरो टू पर यूनिट सिंपल सिंपल है सर या आगे आपकी कौन सी वाली कॉस्ट रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट अब अपन दो कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू तो बी एलोकेटेड टू तो इन्वेंटरी अब इधर आप हमेशा क्या लेना एक्चुअल यूनिट्स रिसीव लेना या हमेशा हम एक्चुअल कंसीडर करते हैं देखो सेकंड स्टेप में हमेशा एक्चुअल लेना है अपने को तो एक्चुअल कितना आया फोर सेवन फाइव जीरो और एबनॉर्मल कितना है देखो सिंपल सी बात ये दोनों यूनिट्स मिला के है ना आपका कितना होना चाहिए आपका फोर्टी नाइन हंड्रेड होना चाहिए सिंपल सर फाइव थाउजेंड क्यों नहीं होगा अरे वो दो परसेंट तो नॉर्मल लॉस है ना नॉर्मल लॉस हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना वो दो आपको छे तो मैं इधर रेफरेंस के लिए दे सकता हूँ कि मेरा टोटल लॉस कितना था टू फिफ्टी का टोटल लॉस था बराबर इसको मैं बांट सकता हूं अब कि इसमें से टू परसेंट दैट इज हंड्रेड यूनिट्स नॉर्मल लॉस था जो बाकी बचा हुआ वन फिफ्टी वो एब नॉर्मल लॉस है बराबर तो हमारे दोनों का कैलकुलेशन का टोटल मिला के फोर्टी नाइन हंड्रेड ही आएगा फाइव थाउजेंड नहीं जाएगा क्योंकि दो परसेंट तो नॉर्मल लॉस है वो पर यूनिट निकालते समय कंसिडर हो चुका है समझा तो कितना आएगा फिफ्टी वन पॉइंट जीरो टू पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना

इन फिफ्टी वन पॉइंट जीरो टू पर यूनिट तो कितना आएगा सेवन सिक्स फाइव थ्री टोटल मिला के ये भी टू लैख फिफ्टी हो जाएगा देखो बेसिकली आपने पूरा टू लैख फिफ्टी एलोकेट तो किया थोड़ा एबनॉर्मल लॉस में और थोड़ा कॉस्ट में जो कॉस्ट में गया वो इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा जो एबनॉर्मल लॉस में गया पी में जाएगा कहा जाएगा पी में जाएगा क्या तुमको करते आ रहेगा ये चीज

एंड एब नॉर्मल लॉस कैलकुलेशन आर टू डिफरेंट कंसेप्ट आर टू डिफरेंट कंसेप्ट इसको जोड़ने का ट्राई मत करना सिंपल आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया मेरे ख्याल से नाव वी आर अगेन गुड टू तो प्रोसीड फर्दर वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर चलो आदित्य ने एक सवाल पूछा है सर नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं तो तो कोई बात नहीं जितना भी आपने खर्चा किया वो सारा इन्वेंट्री में एलोकेट हो जाएगा देखो ये सब कब रेलिवेंट है जब आपको रियल में एबनॉर्मल लॉस हुआ हो अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं मान लो चलो जितना मंगाया सारा का सारा आ गया फिर अरे तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है तब तो पांच जो भी ढाई लाख रुपया है वो पूरा जाएगा इन्वेंट्री कॉस्ट में इफ दर इज नो एबनॉर्मल लॉस फुल टू लैक फिफ्टी विल गो टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री देर विल बी नो कंसर्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चलो मैं लिख दू यह भी चीज लिख लो ये भी चीज सेकेंड नोट इफ देर इज नो एबनॉर्मल लॉस देन नो नीड टू डू अबव कैलकुलेशन फुल अमाउंट Paid. Full amount paid will be allocated to cost of inventory. Full amount paid will be allocated to cost of inventory. Simple. I hope this is absolutely clear to everyone, guys. यस yes, एकदम बढ़िया चलो एक आध मीठा मीठा क्वेश्चन कर ले गया एक आध मीठा मीठा क्वेश्चन कर ले गया क्या कहते हो मतलब देखते तो अपने को आता कि नहीं आता करने को है ना चलो आ जाओ आ जाओ कर लेते अब है ना मैं कोई नया कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा कंसेप्ट आज के लिए काफी है अपन ने बहुत कंसेप्ट कर लिए बेचारे अपन अपन भी इंसान का दिमाग है आप सुबह से कितनी क्लासेस बैठते हो रहे सुबह सुबह कितनी क्लासेस करके आ रहे हो सुबह बताओ जरा नमन पूछता है वो एबनॉर्मल अरे बाबा नमन एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ मतलब या तो नॉर्मल लॉस हुआ रहेगा या नॉर्मल लॉस भी नहीं हुआ रहेगा भाई किसी ने पूछा है अगर सर नॉर्मल लॉस भी नहीं हुआ तो अरे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना अच्छी बात है अपना मोटिव ये है कि ढाई लाख का क्या करूं तो पूरा टू पॉइंट फाइव लग जाएगा इन्वेंट्री कॉस्ट में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है कोई नॉर्मल लॉस भी नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है समझे क्या दो लाख से बैठते थर्ड है एट थर्टी से फाइव थर्टी यार तुमको कोई बोलता है सुबह सेवन थर्टी से बैठ रहे हैं सर देखो एक बात बोलू तुमको तुम्हें ना यही चीज़ तुमको लाइफ में ना हार्ड वर्किंग बनाएगी ठीक है सीए में पता है क्या सी ए के अंदर है ना बहुत मेहनत है सीए इज़ नॉट डिफिकल्ट इट इज़ बल्कि इट इज़ फुल ऑफ हार्ड वर्क और मैं बताऊँ जब है ना तुम इतने मतलब तुम्हें ना इतने तुमको घिस देगा ना सी ये सीए पूरा निचोड़ देगा तुमको ये सीए ठीक है बट उससे फ़ायदा पता है क्या आएगा तुम इतने हार्ड वर्किंग बन जाओगे ना कि तुमको आगे की लाइफ में इतनी तकलीफ नहीं होगी फ़ॉर एग्जाम्पल तुमने देखा मिलिट्री वालों की ट्रेनिंग कितनी तगड़ी होती है पिक्चर में तो देखा ही होगा तो उन लोगों का रूटीन ही ऐसा बन जाता है कि उनके लिए नॉर्मल होता है ये सब मेहनत करना कसरत करना ये सब तुम्हारे लिए भी जब सपोज जब अभी देखो तुम एट थर् एट ओ या सेवन ओ क्लॉक फाइव थर्टी तक बैठते हो बेचारे ठीक है कितना घंटा इफेक्टिवली नौ दस घंटा तुम पढ़ रहे हो उसके बाद हर फैकल्टी तुमको आके दो चार होमवर्क देख जाता रहेगा बोला रहेगा कर लेना भाई बराबर तो दो घंटा और करोगे मैं भी बेशर हमू मैं तुमको बोलूँगा रिवाइज़ करके आना वरना आ मत जाना है ना तो तुम रिवाइज बेचारे करते रहोगे तो तुम दिन में दस से ग्यारह घंटा पढ़ रहे हो बराबर अब दस से ग्यारह घंटा पढ़ोगे 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 ऐसा नौ महीने तक तो तुम मेहनत करोगे बराबर अब तुम सोचो जब तुम इतना बारह बारह घंटा पढ़ने का आदत डाल दिए और जब तुम सीए बनोगे इंडस्ट्री में जाओगे काम करोगे तुमको बोलेगे जॉब तुम्हारा नाइन टू फाइव है सपोज तुम खुद का भी करोगे आठ घंटा काम करोगे तो तुमको लगेगा अरे आठ घंटा ही काम करना है लगता है आज हाफ डे है समझ रहे हो आठ घंटा ही काम करना है लगता है हाफ डे है लेकिन यही तुम किसी नॉर्मल आदमी को पूछोगे ना आठ घंटा काम करना खुद जान पे आ जाएगा बोलेगा अबे आठ घंटा काम करता हूं मैं दिन में सी एस को बोलेगा अच्छा आठ घंटा ये इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर यू गाइस क्योंकि इंटर में करोगे फिर जब, जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो आर्टिकलशिप भी करोगे सी एफ की पढ़ाई भी करोगे तुम इतना मतलब यूज टू हो जाओगे ना कि जब तुम फ्यूचर में लाइफ में आगे बढ़ कर थोड़ा काम कम करोगे तो तुमको लगेगा वाह मज़ा ही आ गया बट ऑफकोर्स इसके लिए तुमको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम वो करने ही बैठे हो देखो सी में आए तो मेहनत करनी ही आए और तुम कर भी रहे हो इट इज़ अ गुड थिंग बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था ना कंसिस्टेंसी इज द की यू हैव टू मेंटेन दैट वो आप रखोगे ना आपको सच्ची बोल रहा पास होने से कोई नहीं रोक सकता पास होना छोड़ो जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता ठीक है यू वॉट आर गाई इज कमेंडेबल बट दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू रोज यही करना रोज और मैं ये भी बोलता हूँ भले ही आठ घंटा क्लास देख रहे हो नौ घंटा क्लास देख रहे हो सबकी आधा एक घंटा निकाल के मुझे पता है बहुत थकान होती है फिर भी रिवाइज ज़रूर करना रोज़ दैट रिविज़न विल गिव एन एज ओवर अदर्स सब लोग रिविज़न नहीं करते सौ में से दस लोग ही रिविज़न करते मेरे इतने बोलने के बाद भी सौ में से दस लोग ही रिविज़न करेंगे बट वो दस लोग के ही पास होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे मुझे पता है जैसे तुम फाइव थर्टी जाओगे ना बुक बंद करोगे बोलेंगे बट वही जो तुम डालोगे ना थोड़ा सा एक घंटे का रिवीजन हल्का सा तुम किसी भी रैंकर से पूछना तुम इंटर के किसी भी रैंकर से किसी भी पहले अटेम्प्ट से पास होने वाले से पूछना वो यही बोलेगा कि मैं क्लास के बाद रिवाइज करता था और वो बोल है ना मैं नहीं करता था वो झूठ बोल है फिर तुम समझ हो क्या यस हाँ तो यही लाइफ है बट ठीक है मैंने बोला था ना अभी जो तुम्हारी एज इट इज मेक और ब्रेक यू आर हेयर टू मेक यूर सेल्फ दैट इज अ गुड थिंग गुड जॉब सर यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग क्योंकि कभी सास भी, कभी सास बहू थी अरे हम भी तो गुजरे ना इस दौर से भाई हमने भी देखा यार कितना बैठना पड़ता तो दिमाग खराब हो जाता था पूरा बट ठीक है एक भाई <coughs> चलो एक आद क्वेश्चन करेगा मीठा मीठा प्यारा प्यारा आ जाओ तुमको बढ़िया क्वेश्चन करवाता दो एग्जाम वाले आने वाले क्वेश्चन करवाओ चलो जो सिंपल सिंपल अपन एक बार बाद में देखेंगे इधर आ जाओ इलास्ट्रेशन नंबर थ्री पे आ जाना इलास्ट्रेशन नंबर थ्री ठीक है करें आ जाओ सोमिल बोलते हैं सब बोलो एक के भाई साहब अभी लास्ट क्लास के एंड पे भी करेंगे ठीक है ये आ जाओ इधर इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेज फाइव परसेंट ऑफ इनपुट कितना है नॉर्मल वेस्टेज फाइव परसेंट आपने कितना इनपुट किया है फाइव थाउजेंड मेट्रिक टन ऑफ इनपुट व पुट इन प्रोसेस ठीक है बट रियल में वेस्टेज कितना हुआ है रियल में वेस्टेज हुआ है थ्री हंड्रेड मेट्रिक टन का तो सबसे पहले आप लोग निकालना कि आपको एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ है देखो टोटल नुकसान कितना हुआ है टोटल लॉस थ्री हंड्रेड यूनिट का है बराबर इसमें से नॉर्मल कितना है और एबनॉर्मल कितना है नॉर्मल इज फाइव परसेंट तो फाइव थाउजेंड का फाइव परसेंट लोग फिफ्टी तो सही बोला कि नहीं बोला एकदम करेक्ट ठीक है आगे कॉस्ट पर मेट्री टन इज वन थाउजेंड कॉस्ट वन थाउजेंड है बट ये तो फाइव थाउजेंड के हिसाब से ना आपको तो रिवाइस कॉस्ट निकालनी पड़ेगी वो आप निकालोगे दर क्वानिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द विथ द एंटायर क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड स्टेट विथ रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ वू वैल्यू द इन्वेंट्रीज इन दिस केस हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे तो आपन सिंपल से दो चीज़ निकाल लेंगे सबसे पहला कि भाई तुम्हारी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी सेकेंड तुम्हारे एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट क्या होगा अब अगर आप ये निकालोगे आपको सब आंसर आ जाएगा मानते हो कि नहीं मानते हैं सर तो है ना मैं आपको सिर्फ स्टार्ट करके दे रहा हूँ सॉल्व आपको ही करना है अमाउंट आपको ही निकाल के देना है ठीक है तो मैं बोल दू इलास्ट्रेशन नंबर थ्री पेज नंबर लिख देना हीरो लोग भाई पेज नंबर लिखने का आदत डालना ठीक है फोर पॉइंट वन पेज फोर पॉइंट वन और टेक्स्ट बुक में लिखो इसका कौन सा पेज नंबर है ओके सबसे पहले अपने पास जो डेटा है वो मैं लिख दू कि टोटल यूनिट्स फाइव थाउजेंड मेट्रिक टन एट रुपीज वन थाउजेंड पर यूनिट बराबर नॉर्मल लॉस फाइव परसेंट टोटल वेस्टेज थ्री हंड्रेड मेट्रिक टन सबसे पहले आप इस टोटल वेस्टेज को ये रफ में करके दे रहा हूँ मैं आपको डिवाइड कर दिया करो कि इसमें से नॉर्मल लॉस कितना है अब नॉर्मल लॉस कितना है तो ये मैंने किया हुआ है ना मैं कॉपी कर लूँ वहाँ से उठा के इधर कॉपी क्या चीटर आदमी हो सर आप हम तो ऐसे हैं भैया अपने यहाँ ऐसे ही होता है लो अब दो अमाउंट मुझे तुमसे चाहिए क्या चाहिए आप यही कैलकुलेशन करोगे रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे फिर अमाउंट टू बी एलोकेटेड टू इन्वेंट्री और कितना नॉर्मल लॉस रहेगा ठीक है थीके? निकालोगे पहले आप निकालोगे रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट फिर आप ये दो निकालोगे करो टाइम स्टार्ट्स ना मैं नहीं हेल्प कर रहा आप आपकी आप सब लोग करोगे जो रिकॉर्डर देख रहा है वो भी खुद से ट्राई करेगा ठीक है करो टाइम स्टार्ट्स ना जल्दी से करो जल्दी जल्दी करो करो वेरी गुड 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 डू 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 बताओ चलो मुझे किसने आंसर किया है कनिष्क रिया निष्का नमन आदित्य बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर आया गाइस शिवांगी तरुण बहुत बढ़िया जतन अर्नव नमन सेजल मिहिर वेरी गुड तुम लोग यार समझ तुम लोग स्मार्ट तो हो गए देखो मेरे को ऐसे बिलीव नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे लेकिन एक बात बोलू क्या यार मजा नहीं आया अरे फिर से राइट आंसर तुम्हें वो बात नहीं है यार मतलब वो है ना पूरा मूड ही खराब कर दिया चलो मैं कर लेता हूं अभी यार रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट पहले टोटल अमाउंट निकाला करो बराबर पचास लाख टोटल अमाउंट है डिवाइड बाय हाउ मच डिवाइड बाय फोर सेवन फाइव जीरो मेट्रिक टन फोर सेवन फाइव जीरो से क्यों डिवाइड किया कैलकुलेशन समझ लो फाइव थाउजेंड माइनस फाइव परसेंट का नॉर्मल लॉस ठीक है आपके साथ रहकर मेरे पे मत डालो आपके साथ रहकर स्मार्ट हो गए कल को पढ़ोगे नहीं तो बोलेगे सर आपकी वजह से नहीं पढ़ रहे मेरे पे मत डालो भाई तुम्हारा जो है तुम्हारे ही रखो तुम्हारे अपना ठीक है <laughs> मेरे पे डाल रहे भाई <coughs> कितना हो गया तो आपका आ जाएगा रुपीस तो आपने मुझे आंसर दिया हुआ है वन जीरो फाइव टू पॉइंट सिक्स थ्री पर यूनिट वेरी गुड अब वो दो चीज निकालेंगे अमाउंट एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इसमें सबसे पहले आप लेना एक्चुअल प्रोडक्शन या जो भी है

फाइव टू फाइव टू सिक्स थ्री टू कर लेता हूं ठीक है अप्रोक्स अप्रोक्स तो अप्रोक्स वो कहां तक पहुंच जाएगा फिफ्टी लैक्स तक पहुंच जाएगा सर हमारा फर्क आया पांच दस रुपए का जिसका भी पांच दस रुपए का फर्क आया मुझे उतना जीपे कर देना गाइस अरे राउंडिंग ऑफ का फर्क चलता है उसके मार्क्स नहीं कटते हैं तो अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे जीपे कर देना उतना कोई दिक्कत नहीं है भाई आई एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ पेमेंट <laughs> सर चिंदी आदमी <laughs> मारवाड़ी हो भाई सब ले लेता हूं ठीक है क्लियर है क्या वाला पार्ट तुमने ही कर दिया मैं क्या ही करूँ? मजा ही नहीं आया मेरे को करने को चलो इक्का क्वेश्चन, घर पे ट्राई करके आओगे होमवर्क में दो का दो क्वेश्चन चलो <coughs> इलस्ट्रेशन फाइव इलस्ट्रेशन सिक्स फाइव और सिक्स होमवर्क में ट्राई करना ना फाइव तो जस्ट रीड कर लेना सिक्स पता है क्या है चलो आपको सिक्स पढ़ने में लगेगा मैं तुमको दिखाता हूँ पढ़ के देखो तुमको समझेगा कैपिटल केबल्स हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ फोर ड्यूरिंग द ईयर कैपेसिटी दर कैपैसिटी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग फिफ्टी पर मेटर टन भाई ये वही है फिर रियल में हमारा इतना वेस्टेज हो गया तो तुम इतने वेस्टेज को बांटोगे कि इसमें से नॉर्मल कितना है एब नॉर्मल कितना है ये खेला कूदी करना सेम मैं सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर से बट प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी गाइस क्लास में आकाश कंदोई सर के साथ करने में और घर पे अकेले अकेले करने में फर्क होता है ना सम है ना यस yes, चलो तो ध्यान रखना इसका तो ये आप ट्राई करके आना बस इतना कर लो बाकी मैं करवा दूंगा फिर ये दो 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 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना होमवर्क भाई एक दो कर लो और चलो इतना दो दो तो कर लो पहले इतना होमवर्क करके आना ये दो होमवर्क फाइव एंड सिक्स ठीक है चलो सर क्लास छोड़ रहे हो अभी यस yes, छोड़ रहा हो तुमको तुमको आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा जल्दी मतलब क्या ही लेट ही छोड़ रहे हो सर चीटर <laughs> चलो तो आज के लिए सभा समाप्त करते हैं बट एंड करने के पहले मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया रिवाइज़ करा दो जो भी पढ़ा आपको फटाफट से आ जाओ चलो एक क्विक ओवर भी रिविजन करते हैं अपन फटाफट से ठीक है चलो आम आ जाओ लेट स्टार्ट द रिविजन इन थ्री टू वन एंड गो सबसे पहले सबसे पहले ए एस टू इन्वेंट्रीज ठीक है अपन ने ये ए एस शुरू किया था सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा डेफिनेशन पढ़ा इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है तो जो भी आपका मेन बिजनेस है उसमें जो भी गुड्स आप बेचते खरीदते हो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है बुक्स बेचना दैट बुक्स इज अ इन्वेंट्री फॉर मी तो दैट कैन बी फिनिश्ड ऑल्सो अगर कोई बुक्स डब्ल्यू आई पी स्टेज में तो वो भी आएगी इन्वेंट्री में और बुक्स बनाने के लिए जो लेते हो रॉ मटेरियल जैसे फॉर एक्जाम्पल आपने पेपर लिया इंक लिया वो सब भी आपके लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का वर्क इन प्रोग्रेस है याद आधे अधूरे फ्लैट कवर्ड नहीं है, है फ्लैट रेडी हो गए तो फिर यहाँ कवर हो जाएंगे उसके अलावा शेयर्स डिवेंचर्स खरीदते बेचते हो उसके अलग से ए एस ए एस थर्टीन वहां कवर करेंगे फिर खेती बाड़ी करते हो जो आप लोग और मैं हूं एनिमल्स है ना एग्रीकल्चर वाले मिनरल ऑयल्स वगैरह वो सब भी यहाँ कवर्ड नहीं है उसके लिए कोई ए एस एक्जिस्ट नहीं करता फिलहाल के लिए बट इंडेस होते हैं एनी उसके बाद आएंगे मेजरमेंट पे कोई भी इन्वेंटरी किस पे मेजर करना है कॉस्ट या एन आर वी विच एवर इज लोअर बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म ठीक है कि अगर आपकी मार्केट में वैल्यू गिर चुकी है इन्वेंट्री की तो कम पे ले आओ उसको अब कॉस्ट और एन आर वी डिसाइड करने के लिए हमने डिस्कशन किया अब तक हम कॉस्ट पे ही है कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे ठीक है तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा एक तो आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज कि जब भी, भी आप इन्वेंट्री खरीदोगे तो जो भी आपको परचेस कॉस्ट इंकर करने वो सारे आ जाएंगे उसमें आएगा परचेस प्राइस लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट जो मिला रहेगा वो उसमें फिर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आप ऐड करोगे ओके और कोई भी अगर टैक्स रिफंडेबल है तो उसको मत कंसिडर करना वो कंसिडर अपन नहीं करेंगे ठीक है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए उसके अलावा जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं ऐसे खर्चे जो इन्वेंट्री रेडी करने में रेलिवेंट है वो सारे भी आएंगे ठीक है अच्छा फिर आएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ये क्या होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने का खर्चा उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन उसको कॉस्ट ऑफ तो वो भी आएंगे उसमें जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है वेरिएबल ओवर वो तो आएंगे बट एक होता है fixed overhead. Fixed overhead मतलब ऐसा अमाउंट जो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आप कितना भी बनाओ ये तो उतना इंकर करना पड़ेगा सो so इसलिए हम बोलते हैं इसको नॉर्मली हम नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं बट कभी कभी एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा हो गई तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में बताया इसको आप पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करना नॉर्मल और एक्चुअल एवर इज हायर सिंपल ठीक है अब मैंने इसी को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिए तो इसमें देखो हमेशा दो स्टेप होते हैं पहला पर यूनिट कॉस्ट निकालना तो आपने जितना भी ओवर एड्स इंकर किया है डिवाइड बाय नॉर्मल या एक्चुअल एवर इज इस हायर इससे मिलेगा पर यूनिट फिर एलोकेट करना अब एलोकेट कैसे करोगे जितनी एक्चुअल में इन्वेंट्री बनाई वो इनटू पर यूनिट अमाउंट उससे आपको मिलेगा कॉस्ट में कितना एलोकेट करना है कुछ बच जाता है तो आप बैलेंसिंग फिगर लेके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना ठीक है ध्यान रखना चलो उसके बाद ये अपना हो गया फिर आपने एग्जाम्पल वगैरह किया वो आपने सॉल्व कर लिया था फिर हमने क्वेश्चन किया वो भी आपने सोल्व कर लिया था फिर हम आए थे एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कौन सी कौन सी चीज़ें हमको इन्वेंट्री के कॉस्ट में कंसिडर नहीं करनी चाहिए एबनॉर्मल का खर्चा स्टोरेज का खर्चा एडमिन खर्चा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा और इंटरेस्ट वाले खर्चे ये कभी भी कंसिडर मत करना अब <coughs> इस पर विस्तार में बात करते हैं एबनॉर्मल खर्चे की बात मैं करूँगा स्टोरेज वाला खर्चा नहीं कंसिडर करना है लेकिन अगर स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो कंसिडर वाले खर्चे नहीं कंसिडर करना है मार्केटिंग वाले खर्चे नहीं कंसिडर करना है इंटरेस्ट वाला खर्चा ये क्या होता है याद है लैपटॉप लेने को गया है ना इन्वेंट्री लैपटॉप लेने को गया मैंने बोला पेमेंट दूंगा एक साल के बाद तो बोला इंटरेस्ट भी लगेगा तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपके कॉस्ट में ऐड नहीं होएगा क्योंकि वो इंटरेस्ट आप भर रहे हो फॉर दैट वन ईयर क्रेडिट पीरियड एंड नॉट फॉर द इन्वेंट्री तो मत कंसिडर करना ठीक है फिर हम डिस्कस किए थे एबनॉर्मल वेस्टेज ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज के ऊपर होने वाले लॉस को बोलते हैं लॉस ठीक है तो सपोज आपका थाउजेंड बुक्स मंगाया नॉर्मल फाइव परसेंट अब रियल में आपको सिर्फ नाइन ट्वेंटी रिसीव हुआ तो अगर सिर्फ नॉर्मल लॉस देखो तो नाइन फिफ्टी मिलना चाहिए था अगर आपको नाइन ट्वेंटी मिला है तो तीस का एबनॉर्मल लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस निकालना इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कभी डायरेक्टली बोलेगा कि नाइन ट्वेंटी नहीं मेरे एट्टी एट्टी बुक्स लॉस हो गए एट्टी बुक्स लॉस हो गया तो बताना लॉस में से इतना नॉर्मल है और इतना अब नॉर्मल है ऐसा बताना बाइफिकेशन करके खुद से ठीक है तो बता दिया मैंने अब इसमें तीन स्टेप है सबसे पहले आप निकालोगे रिवाइस्ड कॉस्ट पर यूनिट वो कैसे निकालोगे जितना भी खर्चा किया वो डिवाइड बाई यूनिट आफ्टर द नॉर्मल लॉस ठीक है उसके बाद जितना रियल में आपको आज रिसीव हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना रिवाइस्ड कॉस्ट पर यूनिट से जो भी अमाउंट आया ये इन्वेंटरी कॉस्ट में जाएगा और जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करना पर यूनिट के कॉस्ट से जो अमाउंट आया वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान रखना जब टोटल करोगे दोनों यूनिट्स का एक्चुअल और अबनॉर्मल नॉर्मल दोनों मिलाकर नाइन फिफ्टी होगा थाउजेंड नहीं होएगा भाई क्योंकि फाइव परसेंट का लॉस हम नॉर्मल मानते हैं उसको गिन, गिनना ही मत उसको ठीक है सिंपल सी बात सेम एग्जांपल लिया था और सेम एक क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया था तीन तीन अपन ने चीजें कर ली फिर इसके इसका आपको मैंने होमवर्क भी दिया वो भी करना अब इसमें एक और बात ध्यान रखना जो आपका फिक्स्ड फिक्सडर एलोकेशन है वो कंसेप्ट अलग है एबनॉर्मल लॉस वाला कैलकुलेशन अलग है दे दो अलग कंसेप्ट है उसके अलावा सर अगर किसी केस में एबनॉर्मल लॉस हो ही ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो तो जितना पैसा भरा सब इन्वेंट्री में एलोकेट कर देना ये लफड़ा तब आएगा जब आपका रियल में कोई नॉर्मल लॉस हुआ है ठीक है चलो तो आज का अपन सभा यही समाप्त करते पहले मुझे फटाफट से बताओ आप सबको समझ आया क्या और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना प्लीज कीप ऑन लेटिंग मी नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंगस आर नॉट कैसे बताओगे मेरा डाउट सॉल्विंग का देखा ना टेलीग्राम आई डी जाके बता देना बट बताते हुए चलना बिकॉज मुझे ये मालूम रहना कि आपको सब समझ रहा है या आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत जरूरी है तो जो लाइव देख रहे हैं बेचारे बच्चे डायरेक्टली बता देते हैं है ना तो अब जो रिकॉर्डेड वाले हैं बताते हुए चलना मैसेज करके कि भाई समझ रहा है यहाँ तक पहुंचे है ये क्वेश्चन हमने कर लिया सर ऐसा ठीक है और खत्म करने पर इसी बात में हम कहेंगे एक है है ना चलो सो so, शुक्रिया एवरीवन थैंक यू सो मच uh, मैं सेशन एंड करता हूँ शुक्रिया थैंक यू सो मच बाय टेक बायवन बाय अच्छा गाइस कल क्लास है कल सेम टू थर्टी से फाइव थर्टी तक क्लास है ठीक है कल यूट्यूब पे नहीं होगा कल ऐप पे होगा ठीक है ऐप पे टू थर्टी को हम स्टार्ट करेंगे बट जो प्रोमो वीडियो होता है वो टू ट्वेंटी से दिखना शुरू हो जाएगा तो अगर ऐप में कोई दिक्कत आ रही है टेक्निकल टे टीम को मैसेज करना वो आपको हेल्प कर देंगे ठीक है तो और कुछ क्वेरी है तो पूछ लो कहां से हो सर आप एग्जैक्ट मुंबई थैंक यू फॉर अमेजिंग लेक्चर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अंडरस्टैंडिंग सर बहुत बढ़िया कुछ क्वेरी वगैरह है तो पूछ लो वरना मैं जा रहा हूँ कुछ क्वेरी नहीं तो टाटा बाय बाय बोलो बोलो टाटा बाय बाय यस yes. चलो बाय अर्न बाय जतें बाय गरिमा बाय सेजल बाय विक्रम बाय व्रज बाय श्रुति बाय कविता बाय तरुण बाय बाय केयर सी यू ऑल फिर चलो शुक्रिया कल मिलते हैं चलो बाय 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 श्रीधर बाय जतेन बाय सिद्धार्थ बाय नमन चलो बाय टेक केयर बाय पूजा बाय विशाल सी यू एंड कीप वर्किंग हार्ड गाइस यू आर डूइंग अ गुड जॉब यू डूइंग अ ग्रेट जॉब ओके कीप वर्किंग हार्ड बाय बाय